चेक हेमंत स्ट्रीमिंग चालू कर दे। हुआ शुरू? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। क्या कुछ एनर्जी नहीं है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग मैन, गुड मॉर्निंग एवरी वन। क्या बात है, मच मच बेटर। तो पहली बात तो आई वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम यू ऑल इन द जर्नी ऑफ CA इंटरमीडिएट। एक बार मैं चाहती हूं आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। वाई इज दैट? यू नो इस बार का CA फाउंडेशन का जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा रहा है, आप लोग जानते हो। आई मीन CA फाइनल से भी कम रिजल्ट इस बार CA फाउंडेशन का निकला है, और उसमें यू ऑल आर द वंस हु आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो ये बात तो एकदम पक्की बात है कि यू ऑल आर टैलेंटेड और आप में वो बात है। और इसी जुनून से अगर आप CA इंटर भी करोगे तो आई एम 100% श्योर आप CA इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लोगे। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, फाउंडेशन के कंपैरिजन में बिलीव मी CA इंटरमीडिएट इज मच मोर इजियर। जहां तक लॉ की तो बात है, फाउंडेशन के कंपैरिजन में लॉ में इंटर में स्कोर करना आसान है, क्योंकि CA इंटर में इंस्टीट्यूट में 30 मार्क का MCQ इंट्रोड्यूस किया है, और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन CA इंटर इज इजियर, प्रोवाइडेड आप लेक्चर्स ठीक से अटेंड कर रहे हो, जो भी होमवर्क दिया है वो आप होमवर्क कर रहे हो, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस क्लास में दिए जा रहे हैं, जैसे कि वीक कुछ टेस्ट होते हैं क्लास में, 3 से 4 टेस्ट क्लास में होते हैं, 3 से 4 टेस्ट क्लास के बाद भी किए जाते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, ये सारे टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये टेस्ट जो है आप दे रहे हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों को अगर आपने फॉलो कर दिया, बिलीव मी यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन विद गुड नंबर्स। पूरे इंडिया में बहुत कम बच्चे, ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास CA फाउंडेशन में बच्चे क्लियर हुए, और वो बच्चों में से आप लोग हो। बिलीव मी यू ऑल रियली हैव गुड टैलेंट विद इन यू ऑल। वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द टैलेंट, जल्दी से जल्दी हमें CA बनना है, और हमारे लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत घर वालों के लिए बहुत कुछ हमें करना है, हाँ है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से आए हुए हैं? सो मेजोरिटी ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। नहीं, कितने लोग फाउंडेशन के थ्रू आए हैं? सीरियसली, दोनों के लिए उतने ही हैंड्स है मुझे ऐसा लग रहा है। क्या चलो है ये 19-20 का फर्क है। आप लोग ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में आए हो पहले ग्रुप? अच्छा, ऐसे भी लोग हैं? कितने लोगों ने ग्रुप 2 किया है और अब ग्रुप 1 के लिए आए हो? ग्रेट, वंडरफुल। सो दिस क्लास इज लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, सारे टाइप के बच्चे जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को। ग्रेट, सही है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आज आप लोगों का ग्रुप 3 चलो है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ अपने बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, और फिर हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो आई एम CA अंकिता पटनी, and I have been teaching this subject from the last 13 years, and this is my 27th batch. और नाम तो खैर सुना ही होगा, और बस मजा आएगा इस सब्जेक्ट में, and we'll rock it together, है ना। So ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, और इंटर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आप लोग इंटेलिजेंट हो, सब रिसर्च विसर्च करके बैठे हो गए, तो ज़्यादा बोल के बोर भी नहीं करना है। पूरे CA इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में और 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में।
ग्रुप वन में जो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है एडवांस्ड अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन। तो इसमें से आपका जो पेपर नंबर टू है दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं। एक बार बताओ कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, क्या है वापस से बताओ। जैसे नाम में लिखा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये पूरा सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा जो हिस्सा है दैट इज अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको करने हैं दो ही एक्ट्स। सबसे पहला एक्ट जो है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द सेकेंड एक्ट दैट यू ऑल विल बी लर्निंग अंडर द कॉर्पोरेट लॉ इज योर फेवरेट एक्ट एंड दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो भले ही आप लोगों ने फाउंडेशन में इस एक्ट को ऑप्शन में छोड़ा होगा, भाई ये जो एक्ट है आपके पीछे पीछे इंटर तक आ चुकी है, तो इतने जल्दी आपका साथ ये एक्ट नहीं छोड़ने वाली। इनफैक्ट प्रैक्टिकली भी आज जब आप देखते हो मेजोरिटी पीपल इन टूडेज डे लव टू इनकॉर्पोरेट LLPs, तो आजकल कंपनी और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में दैट्स दी ओजी आपके आपके लैंग्वेज में इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज द LLP। पीपल आर प्रिफरिंग टू इनकॉर्पोरेट द LLP बिकॉज LLP पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है बट उसके साथ साथ इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने के लिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो एक साइड से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है और दूसरे साइड पे आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस फॉर्म ऑफ एंटिटी इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउडेज। और यही पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने भी डिसीजन लिया था कि इस एक्ट को हमें इंटर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके पहले ये वाली एक्ट इंटर में नहीं हुआ करती थी, इट वॉज ओनली देयर एट द फाउंडेशन लेवल, जो थोड़े बहुत आपको इंट्रोडक्टरी प्रोविजन थे, फीचर्स, डिफरेंस, LLP क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा LLP के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बट इंटर में अगर आप देखोगे, इंटर में तो हमने ये भी देखना है कि LLP को वाइंड अप कैसे करते हैं, उसका अमैलगमेशन, उसका मर्जर, यहां तक की बातें जो है आप देखने वाले हो इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये पूरा कॉर्पोरेट लॉ जो है जिसमें दो एक्ट है, कंपनीज एक्ट और LLP, ये आपको आने वाला है 70 मार्क्स के लिए। हाउ मेनी मार्क्स? 70 मार्क्स के अलावा जो आपका 30 मार्क्स है दैट इज गोइंग टू बी अदर लॉज। तो अदर लॉज में आप लोगों को तीन एक्ट्स है। अदर लॉज में भी देखो ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो 30 मार्क्स का है उसमें अगर आप देखोगे यू हैव थ्री एक्ट्स, फेमा, IOS एंड GCA। व्हाट इज दिस फेमा, IOS एंड GCA? फेमा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके, दिस ऑल रिलेट्स टू फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, कितना कौन से पर्सन को अलाउड है, कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना एक्सचेंज अलाउड है, जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो फॉर लेजर पर्पज तब आपको कितना एक्सचेंज करना अलाउड है, इंडिविजुअल लेवल पे कितना एक्सचेंज अलाउड है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली है इन फेमा। फेमा के साथ साथ जो दूसरे अदर लॉज में टॉपिक है IOS एंड GCA। लॉ पढ़ने वाले कोई भी बच्चों को ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मोर देन एन एक्ट, ये दोनों टॉपिक्स जो है वो गाइडलाइंस है कि कोई भी एक्ट आ गया इस एक्ट को इंटरप्रिट कैसे करते हैं, ये बताता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट। बेसिकली अगर कोई एक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज लिखी है कि आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनीज एक्ट में देखा होगा, अच्छा जो डायरेक्ट एंट्री से आए उनका थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट का नॉलेज है, बेसिक चीज है, अरे हाँ है ना, कंपनी क्या होती है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते, थोड़ी बहुत चीजें पता है या नहीं पता है, हाँ के ना, हाँ, पता है ना। तो जैसे कि कोई सेक्शन है जो कह रहा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के ये स्टेप्स है, और अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, देन दैट पर्सन से ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 447, जिसके तहत उसको जेल होगी मिनिमम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, एंड ही विल आल्सो बी लायबल फॉर अ फाइन
फाइन इतना अमाउंट जितना उसने फ्रॉड किया है एंड मैक्सिमम फाइन कैन गो अप टू 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, ऐसा सेक्शन लिखा है. ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी सेंट टू जेल, ही विल बी लायबल फॉर अ फाइन. अच्छा कल जाके सपोज मैंने और इसने, क्या नाम है बेटा, आसमी, तो मैंने और आसमी ने से मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ए स्क्वायर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड. ओके, अब ए स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, बट हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करते वक्त कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया. गलत इंफॉर्मेशन दे के अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया, बट बाद में रजिस्टर ऑफ कंपनीज को समझ में आया कि हमने ये गलत इंफॉर्मेशन दिया है. मतलब जो चीज से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है वही हमारा डेटा गलत है. रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई. अब बताओ क्या करें. तो डायरेक्टली तलाक, शादी के पहले ही तलाक. अब ऐसे केस में देखो ये सेक्शन, सेक्शन नंबर 7 जो इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है, वही सेक्शन कहता है कि जेल होगी आपको, आपको फाइन लगेगा. अगर लगेगा, हम दोनों बहुत ही वाहियात है, मतलब 10-12 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, सब झूठे झूठे नाम से, फर्जी डॉक्यूमेंट से, तब ऐसे केस में फाइन तो लगेगा, फाइन के साथ साथ हमें जेल भी भिजवाया जा सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हमें सजा होगी. बट जैसे ही हमारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ ना, आई एम लाइक हे जज साहब, हमारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता. तो फिर जज साहब इज लाइक क्यों केस फाइल नहीं हो सकता, आपने कांड किया है, मतलब आपने गलत किया है, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट आई वाज इन क्लास, आपने फ्रॉड किया है, आपको सजा मिलके रहेगी. तो मैं कहती हूं इसको, तू डर मत, था तू चिल रहे, मैं हूं ना. अब ऐसे केस में मैं कहती हूं हे जज साहब देखो ये सेक्शन चीख चीख के कह रहा है ही शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन, ही शैल बी सेंट टू जेल, ही शैल बी लायबल फॉर बोथ जेल एज वेल एज फाइन. तो आपको तो जेल भी जाना पड़े, मतलब मैं कहती हूं He shall be liable. ये पूरा सेक्शन जो बना है ना जज साहब, इट इज ओनली फॉर अगर कोई लड़का है ना जो ये कांड कर रहा है, क्योंकि लड़के हम लोग जानते छिछो रहे हैं, लड़के अपने बहुत सिंसियर रहते हैं, व्हाइट कॉलर, ठीक है. तो ये सेक्शन तो लड़कियों को एप्लीकेबल ही नहीं है. कांड करने, मतलब सॉरी, गलत करने वाले हमारे ये लड़के ही होते हैं, सजा देनी है तो इन लोगों को, तो ये सेक्शन तो हम लोगों को एप्लीकेबल है ही नहीं जज साहब. ये सेक्शन सिर्फ सिर्फ एप्लीकेबल है टू द मैस्कुलाइन जेंडर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द फीमेल्स. ऐसा कौन कह रहा है, ये मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि ये सेक्शन हमें एप्लीकेबल नहीं है. बट देखो ये मेरा कहना ठीक है, ये तो लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया कि मैंने प्रोविजन को ऐसे लिटरली पढ़ा है और उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया है. बट हर प्रोविजन को आप लिटरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते. यहां पे मतलब कहां पे, हमारा ये एक एक्ट जो आप सिलेबस में पढ़ने वाले हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट, नाम में लिखा है जनरल क्लॉजेस एक्ट. क्या है नाम, जनरल क्लॉजेस एक्ट. ये जो एक्ट है ये खुद ही चीख चीख के कहता है सेक्शन नंबर 13 में, कोई भी सेक्शन अगर आपने बनाया है कोई भी एक्ट का, मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रही हूं, इंडिया में जितने भी कानून है, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपका फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, LLP एक्ट है, कोई भी सेक्शन अगर बनाया गया है और बनाते वक्त हमने भले ही सेक्शन को एक्सप्रेस किया होगा थ्रू द मैस्कुलाइन जेंडर, बट द मैस्कुलाइन जेंडर विल इंक्लूड द फीमेल्स, इट विल इंक्लूड द फीमेल्स. सो बेसिकली एक छोटा सा सेक्शन GCA में हमने डाल दिया, जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन नंबर 13, और कह दिया ही इंक्लूड्स शी, मैस्कुलाइन इंक्लूड्स फीमेल, ही इंक्लूड्स शी. इसका मतलब है जब सेक्शन 7 आप रीड करते हो, आप उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लोगे. भले लिखते वक्त लॉ मेकर ने ही कहा है, ही का मतलब होता है ही और शी एज द केस में भी, मतलब अगर लड़का है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तब भी उसको सजा होगी, और अगर लड़की है, शी है, फेमिनाइन,
तब भी ऐसे केस में, अरे समझता ना आपको, पुरलिंग व्हाटएवर स्त्रीलिंग समझता है ना, हाउ मेनी ऑफ योर आर द मैस्कुलाइन जेंडर, रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ योर आर द फेमिनाइन जेंडर, और जो लोगों ने हैंड रेज नहीं किया डाउट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसको कवर नहीं किया है जीसीए में, सिर्फ लिखा ही इंक्लूड शी, दैट्स इट, उसके अलावा कोई कम्युनिटी इंक्लूड नहीं की गई है. तो यस, इतना तो पता है ना. डर रहे हो क्या मुझसे? डरो मत, तो बोलो प्लीज, जवाब दो. ठीक है, हमें इंटरक्टिव सेशंस रखना है. सुनो ना मेरी बात, यहां पे जीसीए कहता है हमें कि ही इंक्लूड्स शी, जिसके वजह से अब क्या हो जाता है, भले इट इज अस, अस मतलब फीमेल्स हु डिड द रॉन्ग थिंग, स्टिल हमको सजा मिल सकती है. तो इसकी वजह से होता क्या है, हमारी जो एक्ट्स होती है ना, उनकी लैंग्वेज शॉर्टन हो जाती है. शॉर्टन मतलब कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है. नहीं तो आप सोचो ना, हर सेक्शन में मेरे को लिखना पड़ेगा ही स्लैश शी, ही स्लैश शी, ही स्लैश शी. इंटरप्रिटेशन तो बाजू रहेगा, इसी में अपन खेलते रहेंगे जेंडर में, मेल क्या फीमेल क्या दोनों क्या. और इसीलिए यही चीजों को केटर करने के लिए हमने लाया है जनरल क्लॉजेस एक्ट. और वैसा ये लिटरल इंटरप्रिटेशन जो मैं कह रही थी ना, यही सारी चीजें बताई गई है इवन इन द आईओएस, ये भी उसी के बारे में, नाम ही कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. कोई भी कानून को इंटरप्रिट करते वक्त कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ये सारी चीजें बताई गई है आईओएस में एंड जीसीए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी अदर लॉस 10-10-10 मार्क का है. ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम का अटेम्प्ट देखते हो, एक ही पेपर अभी तक हुआ है एंड दैट इज May 2024, उसका अगर आप वेटेज देखते हो ना, देखो अग्रीड इंस्टीट्यूट ने कहते वक्त का है 70 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ एंड 30 मार्क्स इज वॉट अदर लॉज. बट आपका जो पेपर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यूज भी है और सिर्फ 70 मार्क्स है जो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, फेमा के 8 मार्क्स के आए थे लास्ट पेपर में, लास्ट पेपर में मतलब May 2024 में 8 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आया था, इसमें भी 8 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आया था, इसमें भी 8 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आया था. अलोंग विद दैट जो आपका एलएलपी है, एलएलपी आया था 12 नंबर के लिए, 10 से 12 नंबर के लिए, 10 मार्क के लिए आपका आया था एलएलपी. दिस इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. व्हाट इज इट अबाउट? और बाकी के जो है क्वेश्चंस वर अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ. तो मतलब 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें से 8 गया, 8 गया, 8 गया और 10 गया. आपका जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट वॉज फॉर 36 मार्क्स. ये जो रेड में मैंने मार्क्स लिखे हैं, इट इज द 70 सब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चंस. तो इन शॉर्ट, इसको अगर आप माइनस करते हो, बाकी के सारे मार्क्स जो है वर इन एमसीक्यूज. तो इन शॉर्ट, फेमा के 2 MCQs, 2 मार्क के एमसीक्यूज आए होंगे, आईओएस के 2 मार्क के एमसीक्यूज आए होंगे, जीसीए के 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आए होंगे. वैसे करके रिवर्स कैलकुलेशन, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके भले ही आईओएस 10 मार्क्स का है, जीसीए भी 10 मार्क्स का है आपके सिलेबस में, बट प्रैक्टिकली ये जो एक्ट है, इनफैक्ट पूरा सीए इंटर लॉ का जो सिलेबस है, प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है. कल जाके कोई भी नया एक्ट आया, सपोज आप सीए फाइनल क्लियर कर गए, आप सीए बन गए, बट अब क्या किस्मत ही खराब है, क्या बताए. अब जैसे ही आप सीए बने, कोई नया एक्ट आ गया. अब नया एक्ट आ गया, आप ये तो नहीं बोलोगे ना क्लाइंट को, नहीं नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं था, अंकिता मैम से हमने ये नहीं पढ़ा है, आप बाद में आ जाना देख ले बता. हाँ वही, तब तक आप बाद में मतलब क्लास लेके आओगे क्या, ऐसा होने वाला है? अरे बता ना, नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ साथ हजारों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं. हर दो सीए फाइनल के 2 अटेम्प्ट होते हैं, हर 2 अटेम्प्ट में देयर आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल. और एग्जिस्टिंग इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश भर में है, आपने अगर उसको उसी टाइम पे उसके क्वेरी का जवाब नहीं दिया या ऐसा कह दिया वो एलएलपी एक्ट, वो तो क्या ऑप्शन में छोड़ा था. तो टाइम दूर नहीं होगा जहां पे ये क्लाइंट आपको ऑप्शन में छोड़ देगा, समझ रहे हो आप? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी एक्ट, सिर्फ एक्ट ही नहीं रहे, हर साल अमेंडमेंट आते हैं, हर साल लॉ
कोई भी लॉ, चाहे वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ है, चाहे वो एलएलपी एक्ट है, एवरी ईयर देर आर अमेंडमेंट्स। और अगर अमेंडमेंट्स है तो अमेंडमेंट को इंटरप्रेट करते आपको आना भी चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अगर इंटरप्रेट करने आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन के स्किल्स भी समझने चाहिए। ये स्किल्स आपको देगा आईओएस और जीसीए। और जहां तक कॉर्पोरेट लॉ की बात है, आप लोग तो जानते ही हो, दो ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट है और एलएलपी है, और ज्यादा कुछ तो आपको करना नहीं है। बस कंपनीज एक्ट में आपको इंटर लेवल में अप्रोक्सीमेटली करने हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 160 सेक्शंस, बस दैट्स इट। 11 चैप्टर्स, 160 सेक्शंस, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस। जी हाँ बेटा, ये तो इंस्टीट्यूट ने बस हल्का सा डोज देने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन का है। कितने? 470 सेक्शन का बनता है आपका कंपनीज एक्ट, जिसमें से जेन्युइनली सिर्फ 160 सेक्शन आप लोगों को है सीए इंटरमीडिएट लॉ में। और एलएलपी एक्ट इज ऑलमोस्ट, एलएलपी एक्ट भी आपको ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस है, कितने? 81 सेक्शंस, फोर शेड्यूल्स, बट यू ऑल डोंट हैव एवरीथिंग इन द सिलेबस इन सीए इंटर लॉ। मे बी फिर आपका वो सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल में अब एलएलपी के बाकी प्रोविजंस भी ऐड हो जाएंगे, हु नोज। क्योंकि देखो फाउंडेशन और इंटर में तो है ही, बाकी के सारे प्रोविजंस बचा के भी कुछ मतलब नहीं बनता है। तो जल्दी आपको फाइनल में भी एलएलपी पढ़ना पड़ेगा, तो इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है, छिपकू टाइप से ये। तो एलएलपी में भी बस ज्यादा नहीं है, आप लोगों को अराउंड 40 सेक्शंस ही है, मतलब आधी ही एलएलपी एक्ट आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में है, पूरी एक्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे करके हमारी पूरी जर्नी होने वाली है ऑफ सीए इंटरमीडिएट लॉ। ये सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं बहुत ही थरली। इस बार हमने बहुत कुछ अलग प्लान किया है, सो यू विल रियली एंजॉय योर स्टडीज। और साथ साथ में हमारे समरी नोट्स भी बन जाएंगे, अलॉन्ग विद दैट देर आर मोर देन 350 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लास। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क की तरह होगा, 100 से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हो गए और 1000 से ज्यादा वन लाइनर एमसीक्यूज हो गए थ्रू अ ग्रुप दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग। तो ऐसे करके एंड टू एंड प्रिपरेशन हमारा क्लास में होने वाला है। क्लास के साथ साथ ही आपकी 5 टेस्ट होगी और क्लासेस के बाद मे बी आपका प्रेपरेटरी लीव शुरू होगा 2 महीने बाद, आपके 2 टेस्ट होगी 50-50 मार्क की और 1 टेस्ट होगा 100 मार्क का, जैसे आप लोगों का पेपर मई में है। तो अप्रैल में आप लोगों को 100 नंबर का पेपर होगा अप्रैल में, और उसके पहले मार्च में आपके 2 टेस्ट होंगे 50-50 मार्क के। तो भले ही क्लास खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद हमारा कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। दीज लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स की लिंक विल बी गिवन टू यू, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स मिलने वाला है, जिसका एक्सेस आपको दिया जाएगा आफ्टर द क्लासेस गेट ओवर। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है, जैसे पिछली बैच में ग्रुप 1 एक बार कंप्लीट हो गया, बच्चा ग्रुप 2 का ही हो जाता है, पूरा ग्रुप 2 का हो जाता है, ग्रुप 1 का उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और क्या होता है, मैं आपको बोलती हूं, ग्रुप 1 में स्पेशली फॉर लॉ अकाउंट्स और टैक्सेशन मैनेजेबल है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है, बट लॉ बीइंग अ कंप्लीट थियोरिटिकल पेपर, व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स। तो इसीलिए दिस टाइम वी डिसाइडेड फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑल, यू आर गोइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में अप्रोक्सीमेटली, जैसे अगर रेगुलर बैच अज्यूम करते हैं 100 दिन की, अज्यूम हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अराउंड 45 डेज के होते हैं, 45 डेज में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कब, जब आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चालू है। तो जिसकी वजह से जब आपका प्रेपरेटरी लीव शुरू होगा, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ग्रुप 1 में कब, आज जैसे कि 9 अगस्त को बैच ली थी, या आपको फील होगा, कब आपको फील होगा पता है क्या, फेब में, क्योंकि फेब में आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म होने पाएगी। तब आपको लगेगा, अरे 9 अगस्त को तो क्या कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा है वो समझ में था भी या नहीं कुछ पता नहीं, पढ़ेगी तो आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आपको यही लगेगा अरे ग्रुप 2 अभी अभी ताज़ा हुआ है ना, चलो वही कर लेते हैं पहले,
बिकॉज दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी. जो चीज आपको डर लगता है वो चीज को आप अवॉइड करते हो. तो ये चीज ना होने के लिए वी विल बी गिविंग यू दीज लेक्चर्स. तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से योर टाइम योर स्पेस योर कन्वीनियंस. आपको जब ये लेक्चर्स देखने हैं आप देख सकते हो. आपको लग रहा है ग्रुप टू के साथ नहीं तो ठीक है नहीं, प्रेपरेटरी लीव में देखना है आप देख लो. आपको जब देखना है देखो, बट डोंट लेट द कॉन्फिडेंस गेट डाउन. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यूर. ठीक है चलो. स्टेशनरी वाइज आप सब लोगों के पास एक नोटबुक होनी चाहिए. है कितने लोगों ने लाई है आज नोटबुक्स? वेरी गुड. तो नोटबुक होगी, कंपस बॉक्स होगा. कंपस बॉक्स में जो भी स्टेशनरी वेशनरी लगता है वो रहेगा. सिर्फ स्टेशनरी में मेरे को एक हाइलाइटर चाहिए, जो मतलब पेन पेंसिल के अलावा हाइलाइटर चाहिए. हाइलाइटर पता है ना, हाइलाइटर के साथ साथ वो परमानेंट मार्कर्स होते हैं पतली निब वाले, वो है किसी के पास यहाँ पे? है बेटा आपके पास? और वो स्टिक नोट्स भी बताओ ना, हाइलाइटर भी बता दो. थैंक यू. ये आपका हाइलाइटर रहेगा, एनी कलर विल डू, आई डोंट माइंड. पिंक इज योर फेवरेट कलर, ग्रीन इज लकी फॉर यू, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका पॉइंटेड निब, फाइन निब वाला आपका रहेगा हाइलाइटर, जिसपे आप चीजें कुछ चार्ट बुक और कुछ चीजें ग्लॉसी है तो उस पर लिखने के लिए ये लगता है. ये नहीं भी चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पैसे बचाना है तो ठीक है, ये नहीं भी खरीदा तो भी चलेगा, बट आप इसको जरूर खरीदना, स्टिक नोट्स. ठीक है, तो ये स्टिक नोट्स पे तो रेगुलर पेन चलती है, इस पे लिख के हम हमारी टेक्स्ट बुक पे चिपका सकते हैं. ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 100-150 के अंदर ही आ जाएगा. इसके लिए ज़्यादा सोचना मत आप, क्योंकि 80 रुपये में नोटबुक के साथ, नोटबुक की बिगर, ये तीनों चीज़ें सिर्फ 80 रुपये की, मतलब 80 रुपये की है. अच्छा जो भी है ठीक है, 100-150 के लिए ज़्यादा सोचना मत बेटा. एक दिन तू मूवी के लिए जाता है उसके साथ तो कितना खर्च के आता है? ठीक है, पॉपकॉर्न का ही 200-300 रुपये दे के आता है, 550 देख, फिर 100 रुपये के लिए इतना सोच रहा है तू बेटा. ये आपको लाखों रुपए देगी, लाखों, वो क्या देगी? गलत क्वेश्चन गलत जगह पे, उस इंटेंशन से नहीं पूछा खैर, बट जो भी है. एंड ऑफकोर्स यू नीड टू कैरी वन नोटबुक. ठीक है, तो आ जाते हो आपके नोटबुक में आप लिख रहे थे ये सब्जेक्ट के बारे में. स्वप्निल सर की लैंग्वेज में चिट्ठिया, चिंटिया, चिंटिया. अरे आधे घंटे में आएगा, सुन ना, उसको चाय लाने बोलना. क्या लिख रहे हो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे? आप आपका नाम लिख दो, सब्जेक्ट का नाम लिख दो, आपका नाम, सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और बस ये चीज लिख लीजिए. हेलो वर्चुअल स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल? वर्चुअल बच्चों को अच्छा है ना, उठ के नहा धो के आने की जरूरत नहीं है, बस उठ लिए, यूट्यूब चालू कर दिया, शुरू कर दिया. अभी तो क्लास की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. क्या बोल रहे हो? जो लोग ग्रुप टू से ग्रुप वन में आए हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं आया. जो ग्रुप थ्री के लिए आया है उनको कोई टेंशन नहीं है. आई एम वरीड अबाउट दोज किड्स जो फाउंडेशन से आए, उसको टेंशन नहीं है. बट वैसे ग्रुप वन की क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब इवनिंग में यू ऑल विल बी डन विथ ऑल द क्लासेस आई थिंक 5:30. हाँ जो 5:45, कितना 15 मिनट का कितना दर्द है ना. 5:45 मतलब शार्प 5:45, नॉट SP 5:45 टाइम. इंडियन SP टाइम. बाकी बच्चों को कुछ पता नहीं उनके साथ क्या क्या होने वाला है, बट ठीक है, वो मासूम ही अच्छे हैं, कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस. बेस्ट है ये लाइफ, उसके बाद कुछ नहीं है मजा जिंदगी में. यू सी ए फाइनल में यू ऑल आर नॉट गोइंग टू हैव एनी
फिजिकल क्लासेस, आपको पता है क्या, ये फेज जो है आपकी लाइफ का, आई थिंक फिजिकल क्लासेस का लास्ट फेज रहेगा। कॉलेज तो हम जाते नहीं है, मतलब कॉलेज क्या यही सब कुछ अभी अपना, और सीए फाइनल में तो जो भी रहेगा वर्चुअल रहेगा, या तो फिर बच्चा मोस्टली जीडीपीडी प्रेफर करता है क्योंकि आर्टिकलशिप के टाइमिंग्स बच्चे के डिफरेंट होते हैं। तो ये क्लासरूम का एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। कितने नींद में डालू क्या पानी, पानी नहीं मिलाओ तो नहाने के लिए हो गया लिखे। अच्छा ऐसे लिखा क्या, वर्चुअल किट्स लिख कर हो गया आप लोगों का, स्टेशनरी कैरी कर सकता है तू? आप भी बेटा, मतलब अभी मैं निकाल के दूँ क्या बुक्स, लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, कुछ चाय वाय मंगाऊ? थैंक यू। वर्चुअल किड्स आई आर डन विद द राइटिंग पार्ट, इनका तो क्या स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा। चलो सो आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज डन विद द राइटिंग पार्ट। वर्चुअल किड्स का भी लिख के हो गया, ग्रेट। अच्छा प्री रिजल्ट बैच पे लिख लिया था, कोई बात नहीं। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यॉल had attended the pre-result batch? Okay, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी प्रिलिमिनरी चैप्टर तो हो चुका है, जहां पे हमने सारे डेफिनेशन देखे थे, उतने ही डेफिनेशन आप लोगों के लिए रेलिवेंट है। और तो अभी हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर से शुरुआत नहीं करेंगे, कोई नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे ताकि रेपिटेशन ना हो आप लोगों के लिए, है ना। चलो फोन अंदर रख दे, स्नैप भेज रहे थे क्या? फिर भी तो रख रहे, नहीं फोन दे दे अभी, हाँ ना लिटरली दे दे। बज गया, नहीं तो चैट करने वाली थी मैं, साइलेंट पे कर दे उसको, मर जाएगा वो। दो तीन दिन नहीं, एक घंटे में देखना कितना हावले जैसे करेगा, मतलब बेचैन हो जाएगा। हाँ ये लोग जो ग्रुप टू से आए उसके लिए स्पेशली, मेरी क्लास में सर फोन वोन कुछ नहीं चलने वाला है, आप लोगों ने जो भी मस्ती की होगी कर ली होगी। स्वप्निल सर के कंपैरिजन में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। सच में शक्ल में बच जाओ। ऐसा कुछ मैं नहीं कहने वाली हूँ, वो लड़के ने बोला हुआ ही ठीक लगता है, मैंने बोला हुआ कुछ अलग डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वर्चुअल स्टूडेंट्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, बट नो यूजिंग द सेल फोन इन माई क्लास, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। अगर आपको सच में मैंने फोन यूज करते हुए पकड़ लिया, आई विल बी कॉन्फिस्केटिंग योर फोन। ज्यादा दिमाग अगर खराब हुआ ना, या ऐसे लग रहा है वो दिन सच में बुरा दिन है, वैसे भी आपकी क्लास सबसे पहली क्लास है, तो ऐसे केस में सच में मैं आपको कह रही हूँ मम्मी कसम, फोन लूंगी तो सही, उसमें चैटिंग भी करूँगी मैं। बाद में अगर ब्रेकअप हो गया तो मेरे को बोलना, बस सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकलेगा, तो बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सो प्लीज यूज द फोन एट योर ओन रिस्क। जब भी ब्रेक होगा दो चार पाँच मिनट का, पाँच मिनट ओके, टाइमर के हिसाब से 5 मिनट्स का ब्रेक रहेगा,
उसी हिसाब से आपको टफ फोन यूज करना आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट नो यूजिंग द सेल फोन इन द क्लास. शिद्दत से जब आप आओगे अच्छे से पढ़ाई कर लो. वैसे भी मेरी क्लास के बाद यू हैव अ गुड 15-20 मिनट्स का ब्रेक, तब आपको जिससे बात करनी है, जिसको जो अपडेट देना है, जिसको जो स्नैप भेजना है भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है. आपका वो क्या बोलते हैं उसका स्ट्रीक ना, वो टूटने नहीं देगा, आप टेंशन मत लो. ठीक है, आ जाइए. कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो. एग्जामिनेशन में मार्क्स कम मिल जाए चलेगा, अपनी स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए. उस बात का गम नेक्स्ट लेवल का गम है जिसको कोई पूरा नहीं. हाँ है ना, कितने इमोशनल हो गए. चलो आ जाइए. बाकी तो क्या, वर्चुअल बच्चों का सिंसेरिटी तो आपके साथ ही है. आप लोग तो फोन पे ही लेक्चर देख रहे हो. सब कुछ से क्या मतलब है. चलो ठीक है. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. एक बार सब्जेक्ट का नाम पढ़ो तो कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर. व्हाट आर वी स्टडिंग, हम लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? बोलो ना. सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट है या कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है? तो लॉ और एक्ट सेम है या अलग अलग है? कैसे अलग अलग है? ओके, लॉ इंक्लूड्स एक्ट एंड एक्ट इंक्लूड्स लॉ, लॉ इंक्लूड्स एक्ट. क्या जवाब दिया, एक बार जोरदार ताली है बच्चे के लिए. लॉ इंक्लूड्स एक्ट एंड एक्ट इंक्लूड्स लॉ. अच्छा बोलो क्या है पूरी बात आपकी. वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड. नहीं नहीं, इसका जो जवाब है इट इज करेक्ट, एकदम प्रिसाइसली करेक्ट है. एक्ट जब आप देखते हो, यू ऑल नो एक्ट इंक्लूड सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज एंड सब क्लॉज. बट एक्ट जो होती है इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लॉ. लॉ अगर आपको पढ़ना है सिर्फ एक्ट पढ़ के नहीं होने वाला है. एक्ट के साथ साथ आपको करने पड़ते हैं रूल्स. जैसे कि बहुत बार कंपनीज एक्ट में ही आप देखोगे कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपका टर्नओवर जो है इट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जहां पे भी लिखा है कंपनीज एक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मींस अकॉर्डिंग टू द रूल्स. इट मींस अकॉर्डिंग टू द, तो एक्ट पढ़कर आपको सिर्फ अधूरा नॉलेज मिलेगा. एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स भी पढ़ना जरूरी है. यही रूल्स कौन बनाता है? ओके वेरी गुड. इसके अलावा है जो कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं, वो केस लॉज होते हैं, वो जुडिशियल डिसीजन होते हैं. अच्छा एक्ट कैसे बनता है बताओगे? एक्ट आप रूल्स के, एक मिनट उसको पूछते फिर आते उधर. एक्ट रूल किसके बारे में बता रहे हो आप? माइक रूल्स के बारे में बता रहे हो आप? चेक चेक, इसकी आवाज बढ़ाना ना माइक के. क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से हो आप? अकोला. बोलिए बेटा किसके बारे में बोल रहे हो आप? एक्ट के रूल्स, एक्ट के बारे में बोलिए थोड़ा सा माइक को. हाँ एमसी मतलब मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो बिल बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं. ठीक है, हाँ पार्लियामेंट मतलब बोथ द हाउसेस, वो बोल रहा है लोकसभा एंड राज्यसभा. उसके बाद वेरी गुड, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. इसने बताया है एक्ट को कैसे बनाया जाता है. एक्ट बेटा बनता है पार्लियामेंट में, नॉट रूल्स. एक्ट जब बनता है ना, पहले तो कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बिल. और यही जो ड्राफ्ट है इट इज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन करने के बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट. और एक बार प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दे, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर बिल है या जिसको आप कह रहे हो ड्राफ्ट है, ये बन जाता है, क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. और यही एक्ट उसके बाद आपको पता है किधर नोटिफाई किया जाता है? इट इज देन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट.
इसी ऑफिशियल गैजेट में जाने के बाद जनता को समझ में आता है कि ऐसा कोई कानून जो है वो बनाया गया है। तो देखो यही एक्ट, देखो एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है आपको आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। रूल्स रूलिंग पार्टी बनाती है, वेरी गुड वर्चुअल किड्स। ये देखो ड्राफ्ट है, बिल है, जो आपको कहना है आप कह सकते हो। इसी को क्या किया जाता है, इसी को ले डाउन किया जाता है इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या क्या रहेगा, लोकसभा एंड दोनों जगह पे पास होने के बाद, दोनों जगह पे पास होने के बाद इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड वंस इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर कंसेंट, देन दिस पर्टिकुलर बिल विल बिकम एन एक्ट। बट देखो ये सब कुछ जो भी मिनिस्ट्री में हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ है, जनता को तो इस बारे में नहीं पता है। तो जनता को इस बारे में कैसे पता चलेगा, ओनली आफ्टर इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। व्हाट इज द ऑफिशियल गैजेट, नहीं वेबसाइट तो एमसी की वेबसाइट नहीं बेटा। व्हाट इज द, आपने सुना भी ऑफिशियल गैजेट के बारे में, सुना है देखा है? ये अगर आप देखोगे दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, वैसे ही होता है एवरी गैजेट ऑफ द स्टेट। दिस इज लाइक द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। व्हाट इज इट लाइक द, तो जैसे अपने न्यूज़पेपर होते हैं, इन न्यूज़पेपर से क्या होता है जनता को समझ में आता है क्या हो रहा है देश में विदेश में। तो जैसे कि कल नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला ओलंपिक्स में, तो आज न्यूज़पेपर में सुबह आया इस बारे में, पता है कि नहीं पता है? नहीं, आपको ये पूछो कौन वो बंदा कौन है यार, हाँ ऐसे, अरे बोलने के बारे ऐसे पोजेस देता है, हाँ उसके बारे में पता है। फिर आपको पूछ लो, क्या पूछ लो, अनंत अंबानी की शादी में कौन कौन सेलिब्रिटीज आए थे, किसने परफॉर्म किया था, जस्टिन बीबर ने क्या टाइप के कपड़े पहने थे, कैसे पहने थे, ये सारा पूछ लो। फिर पूछ लो ओलंपिक्स में किसने मेडल जीता है अभी तक, वो तो कल, हाँ बट इतने ही मेडल्स नहीं थे, उसके अलावा सबसे पहले वो लड़की कौन, मनु का सरनेम क्या है, वेरी गुड, चलो थोड़ा बहुत तो पता है इन बच्चों को, गुड, ऐसे ही पास नहीं हुए मतलब आप, बट है फुल नॉलेज तो नहीं है। बट बॉलीवुड में क्या किसका लफड़ा है, किसका ब्रेकअप है, कौन किसके साथ कहाँ घूमने गया है, शादी में कौन आया था, किसने क्या गिफ्ट दिया था, इसके बारे में पूछ लो मैम, एक के बाद एक जवाब दे देते हम। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, भारत का राजपत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, यहां पे गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। कोई भी कानून अगर बनता है, अमेंड हुआ है, कोई नया प्रोविजन आया है, उसका पब्लिकेशन गवर्नमेंट क्या करता है, इसी गैजेट पे डालता है, जिससे जनता को, इट्स लाइक अ पब्लिक नोटिस, जनता को समझ में आता है कि मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने कौन से प्रोविजन को पास किया है, क्योंकि अब ये लॉ बन चुका है। क्योंकि एक्ट क्या लॉ का हिस्सा होता है, अरे बोलो ना, एक्ट क्या लॉ का हिस्सा है, और अगर ये लॉ का हिस्सा है क्या आपको इसको फॉलो करना है। तो देखो जैसे कि अभी 8 अगस्त कल की बात है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ चीजों के बारे में नोटिफिकेशन डाला है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन डाला जाता है, जैसे ये नोटिफिकेशन डाला जाता है, गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करता है जनता को इस बारे में और इस कानून के बारे में समझ में आ गया। तो जब तक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं होता है तब तक कानून बनना भी अधूरा है, क्योंकि जो लोगों को उसको फॉलो करना है उनको अगर इस बारे में नहीं पता है तो फिर फायदा ही क्या हुआ कानून को बनाने का। इसलिए एक्ट बनाना जितना इंपॉर्टेंट होता है, एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जैसे इसने बताया एक्ट मतलब क्या, अच्छा एक्ट कैसे बनता है वो समझ गया, बट एक्ट मतलब क्या, तो एक्ट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 4 थिंग्स, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। सेक्शन का बच्चा सबसेक्शन है,
सबसेक्शन का बच्चा क्लॉज है और क्लॉज का बच्चा तो ये परदादा है, दादा है, पापा है और आप हो, ऐसे है चार जनरेशन, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो कोई भी प्रोविजन जब आप पढ़ते हो, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहां पे अब देखो ये कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट खोला है मैंने, बेयर एक्ट, बेयर कंपनीज एक्ट। तो अगर आप देखोगे जैसे चैप्टर वन के दो सेक्शंस है, चैप्टर वन दिख रहा है, चैप्टर वन प्रिलिमिनरी दो सेक्शंस है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन और डेफिनेशंस। फिर ये चैप्टर टू है, उसमें ये सारे सेक्शंस है, जो चालू होता है सेक्शन थ्री से एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 22। फिर ये चैप्टर थ्री है, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में। और अगर आप देखोगे सेक्शन वाइज 470 सेक्शंस है। आपको इतना कुछ नहीं है, आप डरो मत, इंडेक्स ही 10-12 पेजेस का है। बस ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट सेक्शन, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स है। अभी ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होने वाला है, अभी तो बस हल्का सा डोज मिला है। एक मेरे को आपको सेक्शन लेना था, कोई भी रैंडमली ले लेते हो, जो सेक्शन आया है, जो भी आया है, तो डेफिनेशन से आने दो, कोई भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें मैं देख रही हूं ऐसा सेक्शन जिसमें सब सेक्शन भी है, ये देखो जैसे अगर यहां पे 92 लिखा है, व्हाट इज दिस 92? इज अ सेक्शन नंबर। ये फिर यहां पे ये 1 लिखा है, दिख रहा है आपको ये 1, फिर नीचे कहीं होगा 2, ये देखो ये 2, फिर ये 3, ये 4। तो अब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पॉइंट रीड कर रही हूं जो मैंने हाईलाइट किया है, जब मैं ये वाला पॉइंट रीड करती हूं, आई विल से आई एम रीडिंग सेक्शन 92 सबसेक्शन 2। आपको आई बात समझ में? मैं इसको जब रीड करती हूं, उसको कहा जाएगा आई एम रीडिंग सेक्शन 92 सबसेक्शन। और वैसे ही अगर आप पहले वाले पॉइंट को देखोगे, मैं अगर इसको रीड कर रही हूं, मैं कहूंगी आई एम रीडिंग सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अगर इसका भी बच्चा होता तो उसको मैं कहती एज सब क्लॉज। सो एन एक्ट कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। वापस से मैं पूछना चाहती हूं, एक्ट बड़ा है कि लॉ बड़ा है? लॉ में क्या एक्ट आता है? बट एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी आते हैं? और रूल्स के साथ साथ केस लॉज भी आते हैं। तो आपने बहुत सारे केस लॉज पढ़े होंगे या सुने होंगे, जैसे कि चिन्नैया वर्सेस रमैया या सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर जुडिशियल डिसीजंस। व्हाट आर दीज? तो देखो स्पेशली ऑल दोस किड्स हु आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री, बहुत बार क्या होता है, आप एक सिचुएशन में आ जाते हो और अब आपको समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। आपको लगता है आप सही हो, सामने वाली पार्टी को लगता है वो सही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। तो यही चीज का सलूशन निकालने के लिए हम जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जज साहब बोलते हैं कि इस प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, ये सही ये गलत। और ये जज साहब का डिसीजन कानून के बराबर होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। इसी को कहते हैं केस लॉस। क्या कहते हैं इसको? तो एक काम करो, आपके नोटबुक में आ जाओ एक, तो आप वेरी गुड सीरीना, और ये चीज लिख लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, लॉ क्या है? सिर्फ एक्ट लॉ नहीं होता है, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज कम्स अंडर द ब्रॉड वर्ड लॉ। फिर एक्ट के नीचे लिखा है, एक्ट मतलब क्या? एक्ट कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज।
लिख लिया? एवरीवन हैज टू राइट डाउन, अपनी मेमोरी स्किल्स पे इतना भी भरोसा मत रखना. बिल्कुल ही नहीं है, गजनी इफेक्ट. फिर टैटू बनाने पड़ेंगे. कम ऑन गाइस, तेरे लिए लींबू पानी लेके आओ क्या? उतर जाएगी. आ रहे सर. अरे लॉ सब्जेक्ट जो है आपको मैंने बताया ही नहीं. पूरा पूरा लॉ सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, हमारे साथ साथ स्वप्निल सर भी पढ़ाने वाले हैं. यू मेरे को सीखना से यू ऐसे बोलना. पुणेरी हो के मेरे को ये आवाज निकालते नहीं आता यार, हाउ बैड. मतलब ये पुणेरी की शान है. सच में आने वाले सर? सर पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 11 कंपनीज एक्ट का सर पढ़ाते हैं. अदर लॉज में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और फेमा स्वप्निल सर पढ़ाएंगे आपको. उस साइड से आती हूं मैं. लिखकर हो गया? हुआ बेटा लिख के? रूल्स में रीड करती हूं एक बार मैंने क्या लिखा है. इट इज अ टाइप ऑफ लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दोज मैटर्स एज आर मेंशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स. अच्छा इसका मतलब ये है. अच्छा लिख रहे हो? लिख लो, मैं बाद में बताती हूँ. लिख लो. चलो चलो चलो. केस लॉ के लिए रीड करूं क्या? मैंने क्या लिखा है? समटाइम्स एन ऑथराइज्ड बॉडी. ऑथराइज्ड बॉडी के उधर लिखा मैंने एनसीएलटी. एनसीएलटी का फुल फॉर्म है, यू विल नो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. अप्लाइज द प्रोविजन एंड पासेज एन ऑर्डर. सच जुडिशियल डिसीजन फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉ. बस इतना सा आप लोग लिख लो. हाउ इज एन एक्ट मेड? लिखो तो. हाउ इज, लिख लिया है आपने? नहीं ना. हाउ इज एन एक्ट मेड? क्वेश्चन लिखा आपने? हाउ इज एन एक्ट मेड? कम ऑन गाइस. वर्चुअल किड्स आप लोगों ने भी लिखना है. और स्क्रीन पे जो पीपीटी नजर आ रहा है प्लीज वो लिख दीजिए.
हो गया बेटा आप लोगों का लिखकर? अच्छा रूल्स कौन बनाता है? रूल्स रूलिंग पार्टी रूल्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, मतलब जैसे मोदी जी रूल्स बनाए गए। इट इज नॉट द पार्लियामेंट का सिस्टम थ्रू विच रूल्स आर मेड। पार्लियामेंट से सिर्फ एक्ट गुजरता है। पार्लियामेंट में आपको पता है ना, रूलिंग पार्टी तो होती है, ऑपोजिशन भी होती है। ये आपने सिविक्स में पढ़ा है स्कूल में। मतलब मोदी जी तो हो गए, आपके फेवरेट राहुल जी भी हो गए, समझ रहे आपको? उनको तो भिजवा दिया जेल में, अभी क्या करेंगे। तो रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन भी पार्लियामेंट में होता है। बट जहां तक रूल्स की बात है, रूल्स जो है रूलिंग पार्टी बनाता है। मतलब कल जाके अगर मोदी जी को लग रहा है नींद ही नहीं आ रही आज, ऐसे कैसे हो गया पोगाट जी के साथ, कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गई बस इतने से ग्राम्स ओवरवेट होने के वजह से, गलत हुआ है कुछ तो, रात भर सोच रहे, टेंशन में है, नींद नहीं आ रही है, क्या करे क्या करे क्या करे, चलो कुछ तूफानी कर दे, अगले दिन रूल आ जाएगा कंपनीज एक्ट में, स्मॉल कंपनी की लिमिट 5 करोड़ 50 करोड़, अभी 4-40 है, आ जाएगा 5-50। जिस दिन आएगा समझ लेना मोदी जी बहुत टेंशन में है, रात भर सोए नहीं हो गए। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरी भावनाओं को समझो, रूल्स को चेंज करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू एक्ट को चेंज करना। क्यों ऐसा? एक्ट में चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पे रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी है। ऑपोजिशन पार्टी का नाम ही है ऑपोज करना, समझ रहे आप? तो वो इतने आसानी से कानून को चेंज करने नहीं देगी। बट रूल्स तो रूलिंग पार्टी बना रहा है, उनको तो ऑपोज करने वाले कोई है ही नहीं। फिर आपको नोटबंदी करनी है, या किसी को जेल भिजवाना है, या ईडी का रेड करवाना है, करते जाओ चलते जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, वैसी वो बात है। तो रूल्स को चेंज करना इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू एक्ट को चेंज करना। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस कम है और रूल्स ज्यादा है। सेक्शंस कम है, सेक्शंस कम है, 470 सेक्शन कम है, कम है एज कंपेयर टू 1956 एक्ट, क्योंकि 1956 एक्ट में 658 सेक्शंस हुआ करते थे, 658, उसके कंपैरिजन में बहुत कम सेक्शंस है, 200 के आसपास सेक्शंस हटाए गए हैं फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 1956, और सिर्फ 470 सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बट वहां पे रूल्स बहुत कम थे और यहां पे रूल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी आसानी से रूल चेंज कर सकती है, इसलिए हमने रूल्स को ज्यादा रखा है और हमने सेक्शंस को कम किया है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, सवाल ये उठता है, व्हाई आर वी डूइंग द कंपनीज एक्ट 2013? चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? नेगोशिएबल एक्ट समझ में आता है, क्योंकि चेक वेक तो हम लोग काफी यूज करते हैं, चाहे अब जॉब है, प्रैक्टिस है, बिजनेस है, चेक्स को क्या यूज करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं कि नहीं करोगे? तो आपको पता तो होना चाहिए ना चेक से रिलेटेड प्रोविजंस। बट अब सवाल ये उठता है, व्हाई कंपनी, Why are we learning the Companies Act 2013? To incorporate. अच्छा अगर मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं करनी है तो फिर भी मैं 470 सेक्शन पढ़ लो, फिर क्यों पढ़ रहा? नहीं बट ऑडिट तो अलग दुनिया हो गई बेटा, आप क्यों पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट? या एज अ CA, ओके क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए, उसके अलावा? चलो उसके भी पहले वाला सवाल पूछती हूँ, वॉट वॉज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कंपनीज एक्ट? ठीक है, पढ़ क्यों रहा है वो दूसरा सवाल है, वो बात का है, सिलेबस में है ऐसा किसी ने बोला नहीं।
वाई वाई कानून ये जो कंपनी से रिलेटेड है, वाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर गवर्नेंस और कुछ टू व्हाट? ओके टू रेगुलेट कंपनीज, ठीक है. इंडिया में कितनी कंपनीज है? बहुत बहुत कैसा जवाब है ये? बहुत, उससे भी ज्यादा है, 14 लाख से भी ज्यादा, 16 लाख से भी ज्यादा. हाउ मेनी? सोलह लाख से भी ज्यादा कंपनीज है इंडिया में. देखो, एज ऑफ जनवरी 2024 देर वर अराउंड 1.66 मिलियन, मतलब 16,60,000 कंपनीज जो है इंडिया में है. एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल सर के लिए. क्या बात, एक दूसरा माइक देना ना. Hey guys, good morning. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सी ए इंटरमीडिएट. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. सो मैम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको सबको बहुत शुभकामनाएं फॉर क्लियरिंग योर सी ए फाउंडेशन एग्जामिनेशन. एक बटाली आप सभी के लिए. और जो भी लोग डायरेक्ट एंट्री से भी आए, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी जानते हो इस अटेंड में एक बटाल है डायरेक्ट एंट्री के लिए भी. इस क्लास में तीन कैटेगरी के लोग हैं. अच्छा, तीसरा कौन? फाउंडेशन क्लियर, हाँ, दूसरा डायरेक्ट एंट्री, ठीक है. तीसरे वो कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने पहले ग्रुप टू किया है. अच्छा, ग्रुप वन में है. ऐसा कौन कौन है ग्रुप? अच्छा, ये भी है क्या? ग्रुप थ्री है. ओके, एनीवेज बहुत अच्छा यार. एंड आप सभी को बता दे रहे, द जर्नी ऑफ सी ए इंटरमीडिएट इज मोर प्रोफेशनल, मोर यू नो कंसेप्चुअल देन द सी ए फाउंडेशन इज. जो आपका रवैया होना चाहिए, जो आपका अंदाज होना चाहिए सी ए इंटर के प्रति, वो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए. जाहिर सी बात है, आपने सी ए फाउंडेशन में भी बहुत मेहनत की थी, बट सी ए इंटर थोड़ा सा, जो लोग ग्रुप टू से आए जानते, लेवल अप है. तो कुर्सी की पेटी बांध लेना, हम आपको ऊपर ले जाएंगे. राइट दोस्तों, क्या है सी ए इंटरमीडिएट में, दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन. आपका पेपर बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ता है, और वो लोग चाहते हैं कि आप पेपर ऐसा लिखे एज इफ यू आर अ सी ए, एज इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमारा अंदाज जो होना चाहिए वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ओर होना चाहिए, ना कि रट्टा मार की तरफ होना चाहिए. लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, चाहे वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल हो, याद करने से पहले समझना बहुत जरूरी है. चाहे आज हम लोग लॉ पढ़ रहे हो या टैक्स पढ़ रहे हो, तो व्हाट से ज्यादा वाई पर फोकस होना बहुत जरूरी है. अब इधर मैम कोई प्रॉब्लम है? वो बच्चा बोल रहे तू आप जब से आए तो मैम दूर क्यों चले गए? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब सेट है, ठीक है, ठीक ओके. ऐसा कुछ नहीं. वैसे आपको बता देना चाह रहे, ये जर्नी जो है आप समझ लीजिए, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हम लोग सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाएंगे. सिंपल भाषा में बताओ एसपीसी क्या है. एसपीसी इज गोइंग टू मेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इनटू सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. हम लोग का काम ही है कि हम आपको इन सब्जेक्ट्स के प्रति मोहब्बत करवाएं. हम दोनों आज, मैम थोड़ा सा आगे हाथ करो, आपके मैं शपथ अलग दिखाता हूँ, हमारे दोनों की दिखाता हूँ पहले. आज बोलो ना ऐसे, आज हम दोनों ये शपथ लेते हैं कि, थोड़ा अंदर से लो मैडम, ठीक है. आज हम दोनों, देखो रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, वापस से. आज हम दोनों यह शपथ लेते हैं कि सीए इंटर लॉ के जर्नी को,
लॉ की जर्नी को, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, इस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को, इस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास में, क्लास में, ना कि सिर्फ, ना कि सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ाएंगे, बल्कि बल्कि समरी नोट बनाएंगे, समरी नोट बनाएंगे, और बनाएंगे, और बनाएंगे, बहुत सारा रिविजन कराएंगे, बहुत सारा रिविजन कराएंगे, एक बार नहीं बार बार कराएंगे, एक बार नहीं बार बार कराएंगे रिविजन। नॉटी है, एक बार नहीं बार बार रिविजन कराएंगे। बोलो ना, एक बार नहीं बार बार रिविजन कराएंगे, क्लास में ही, क्लास में ही सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को पूरी तरह से खत्म कराएंगे, पूरी तरह से खत्म कराएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा घर पे, घर पे होमवर्क नहीं देंगे, होमवर्क नहीं देंगे, क्लास, क्लास में ही, क्लास में ही इतने बार, इतने बार रिवाइज कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, आईसीए के पेपर सॉल्व करेंगे, आईसीए के पेपर सॉल्व करेंगे, अथवा अथवा आरटीपी, आरटीपी, एमटीपी, एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स क्लास में ही, आईसीए मॉड्यूल क्वेश्चंस, प्रतिज्ञा में अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, आईसीए के मॉड्यूल के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे, भी मैं बोल रहा क्या ये समझ रहा नहीं, बोल कौन रहा जी, वो भी सॉल्व कराएंगे, इतना इतना ही नहीं, इतना ही नहीं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए बार बार, बार बार टेस्ट ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगी, जो जो हर बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए कंपलसरी होगी, कंपलसरी होगी। मैं पूरी ना, वो अभी उनका टाइम आएगा ना, रुको ना, और और क्लास में, क्लास में हम लोग, हम लोग पूरी तरह से, पूरी तरह से लर्न विद फन वाला माहौल बनाएंगे, लर्न विद फन वाला माहौल बनाएंगे, क्लास में कभी, क्लास में कभी बच्चों को सुलाएंगे नहीं। अरे यार, आई मीन टू से क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये प्रतिज्ञा इसलिए था कि आपको समझे कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस क्लास। ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये जो जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं उसी अंदाज में हम लोग आपका ना कि सिर्फ यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराएंगे, बल्कि बहुत सारा सब कुछ क्लास में ही खत्म कराते हैं, कि बच्चों का प्रेशर जो है वो घर पे बहुत कम रहे, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होती है वो लगभग 10-11 घंटे की हो जाती है, अगर उसमें भी आपको बहुत सारा होमवर्क देंगे तो आप हौले जैसा करोगे, एंड देन और ज़िंदगी में और कुछ बचेगा नहीं फिर, और नेक्स्ट डे वापस कम बैक भी करना होता है। सो योर डे स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। आप सभी को सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट में अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर बच्चा यही हो जाता है प्रॉब्लम कि टाइम मैनेजमेंट के ना होने के कारण वो सीए इंटर फेल हो जाता है। आप लोग जिस शिद्दत से सीए फाउंडेशन पास किए हो, अब आपके नॉलेज के ऊपर, आपके क्या बोलते हैं टैलेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, बट एक चीज़ आपको फेल करा सकती है, वो है आपका मिसमैनेजमेंट। अगर ये सीए इंटर के जर्नी को पास होना है तो आप सभी को पता होना चाहिए इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स यू शुड बी एबल टू फिनिश नॉट ओनली ग्रुप 1 बट ग्रुप 2 ऑल्सो, और ना कि सिर्फ टीचर के साइड से खत्म होना चाहिए बल्कि आपके साइड से भी होना चाहिए, वरना अक्सर क्लासेस ऐसी हो जाती है, मैं SPC की बात नहीं करता, बाकी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ टीचर को लगता है सब्जेक्ट हो गया और बच्चों का बाकी रह जाता है। हमें उस जर्नी का हिस्सा नहीं बनना है। यहाँ की हर कोई टीचर मेक श्योर करती है कि बच्चा रिवाइज भी कर रहा है, हम क्लास में ही बहुत सारी मल्टीपल रिविजन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग सब कुछ क्लास में ही खत्म कर रहे हैं। और आपको जैसे कि लॉ की किताब लाइए भैया, लॉ की किताबें लेकर आओ, आपको पूरा, जैसे कि लॉ सब्जेक्ट आज खत्म होगा, आपको पूरा के पूरा लॉ सब्जेक्ट, वैसे 470 सेक्शंस है, हाँ, पूरे एक्ट में, एक्ट में माइक से बोलेंगे, और उसमें से हमें इनको पढ़ाना है 160, फिर भी 160 तो पढ़ना ही है, अदर लॉज भी पढ़ना है, पर ये जो नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो लगभग हम लोग इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस जो हो जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज। एक्चुअली देखो, एक चीज़ें होती है, आपको एग्जामिनेशन में लिखना है तो लिखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में याद आना चाहिए, और याद कब आएगा, नहीं नहीं याद कब, आप बताओ आपका जर्नी जो अब तक पढ़ाई के साथ रहा, आपको कौन सी चीजें याद आती जो आपने एक बार पढ़ी या बार बार पढ़ी है, और बार बार पढ़ने के लिए क्या लगता है,
आपको बार बार पढ़ने के लिए टाइम लगता है पर आपके पास जो बहुत कम है, तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इस मोटे मोटे सब्जेक्ट्स को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप अकेले में समरी नोट नहीं बनाएंगे, और पूरा विश्वास भी है। इसलिए आपकी इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमने खुद ने, अंकिता मैम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो समरी नोट भी आपको डे वन को ही आपको दी जाती है। यानी कि मान लो कि 50 पन्नों का चैप्टर है तो उसको 6 या 7 पन्नों में समेट दिया हो, ताकि आपका जब भी मन करे ये 5-6 पन्ने पढ़ेंगे, उसका सार मिल जाएगा, जिस्ट मिल जाएगा, उतना पढ़ेंगे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सो दोस्तों, आपको हमेशा ऐसा नहीं, बिकॉज टीचर का काम ही होता है, वो टीचर किस काम के अगर वो सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट ना क्रिएट कर रहे हो, वो टीचर किस काम के अगर सब्जेक्ट को आसान ना बना रहे हो, अगर हमारे होने के बावजूद भी अगर सब्जेक्ट आपको वापस से मुश्किल ही लग रहा है, आपको सब्जेक्ट का टेंशन आ रहा है, तो फिर हम मतलब इसका मतलब मजा नहीं आया। देखो, समझना तो सबको समझ में आएगा, बात सिर्फ समझने तक सीमित नहीं होती। समझना और एग्जामिनेशन में याद आना दोनों अलग प्रोसेस है। क्लास में तो सब खुश हो जाएंगे, क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है, बट व्हाट इज द यूज ऑफ हैप्पीनेस इन द क्लास इफ यू आर सैड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कब खुशी मिलती है, जो क्लास में आपने पढ़े हैं वो आपको एग्जामिनेशन में रिकॉल हुआ, और रिकॉल होने के लिए क्या करते हैं, आपको समरी नोट देंगे, ना कि देंगे उसको बार बार रिवाइज कराएंगे, इतने बार रिवाइज कराएंगे कि आपको सारी जो चीजें ना कि सिर्फ समझी, क्लास में ही याद हो जाएंगे, फिर आईसीए के पेपर भी यही होंगे। तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से जो जो लगता है, और मैं आपको इसके पहले कि आगे बढ़े, अंकिता मैम जो है आपको 60 मार्क्स के आसपास पढ़ाती है और मैं 35-40 मार्क्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैम को अपने बारे में, मैम क्या बोलेगी, मैं बोलता हूँ उनके बारे में, मैम आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी दे देना, ठीक है ना। आज डे वन है तो मैं चाहता हूँ मैम को इंट्रोड्यूस करा दूँ। अरे आपको सब कुछ पता है, बताओ मैम सी ए कब क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर 1 2006, ईयर 2000, 2010, 2012। कुछ बताएंगे जिससे पढ़ने जा रहे हो कब सीए बने हो तो पता होना चाहिए ना। और मैम जवाब देगी, मैम सही जवाब 2012 में। अब जब बात करते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैम का टीचिंग एक्सपीरियंस कितने सालों का है, 10 साल से कम या 10 साल से ज्यादा? 10 साल से ज्यादा। अब 10 साल से ज्यादा पढ़ा रही हूँ। 2012 में इनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, अभी 2024 चल रहा है, पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहे। मैम ने पूना में पढ़ा है कि पूना के अलावा भी कुछ शहरों में पढ़ा है? आप तो मैम को कुछ काफी अच्छा जानते हो भाई, कहाँ पे पढ़ते हो मैम के बारे में? कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं होगा तेरा? बहुत पढ़ रहा मैम के बारे में, तो बाद में मिल, देखता हूँ। ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इतना इंटरेस्ट अच्छा नहीं है, पर्सनल हो रहा है, ठीक है। बताएंगे बच्चों, मैम का जो पढ़ाना है ना कि सिर्फ पूना में रहा है, बल्कि मैम ने हैदराबाद दिल्ली में भी पढ़ाया हुआ है, नागपुर में भी पढ़ाया हुआ। तो आई एम सो सॉरी, आप अमेंडमेंट करते रहना, मैं कवर अप कर लूँ। आप बताएंगे मैम ने अपने जीवन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए, 1, 2, 3, 4। मैम ने अपने 13 साल के जर्नी में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए, 1, 2, 3, 4। कितने लोगों लगता है एक पढ़ाए, और कितने लोग लगता है दो पढ़ाए? अरे तो बाकी लोग को लगता क्या है, अरे कुछ फीलिंग होती क्या नहीं? अरे जिससे पढ़ने जा रहे पता होना चाहिए वो कैरेक्टर है कौन। मैम ने जीवन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका नाम है लॉ। मैम ने लॉ को जिया है, खाया है, पिया है, यानी कि सीए फाउंडेशन में भी वो लॉ ही पढ़ाती है। कुछ लोगों ने सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ा है मैम से? अरे बहुत लोगों ने पढ़ा है। और क्या यही एक वजह रही आपने इंटर में भी सोचा चलो इधर ही लगा लेते? मैम कैसा होता है कि जिन बच्चों ने, बच्चा तुम खड़े हो जाओ बड़े, हाँ आप सीए फाउंडेशन में पढ़े थे, जरा माइक देना बच्चे के पास में, एक बार जान लीजिए कहाँ से है, उनके बाजू में भी एक चिंटू है। बेटा कहाँ से आए आप? उड़ीसा से आए, वेरी गुड। क्या नाम है जी आपका? इनको कहीं देखा है पहले? हाँ वैसे ही लग रहे जैसे टीवी पे लगते थे। भाई मतलब इसको अच्छा समझे, इसको अच्छा मेरी आवाज बढ़ा दो भाई, इसको अच्छा समझे बुरा समझे ऑलमोस्ट, मतलब भाई तुम यहाँ नहीं, तुम पॉलिटिक्स में होना चाहिए, इतना डिप्लोमेटिक ऑलमोस्ट वैसे ही है भाई, मतलब गुड वे में बैड वे में कैसे है बेटा, बहुत आगे जाएंगे, ऐसे ही बोलना क्लास में रहना। देखो अच्छा, उड़ीसा से आया बेटा, आपने पहले क्या फाउंडेशन लॉ पढ़ी थी मैम से? नहीं,
ओके, कैसा महसूस किया आपने तब? ओके बेटा, बहुत अच्छे। आपके बाजू में भी कोई है? उन्होंने भी हाथ ऊपर किया था। बेटा कहाँ देखा इनको पहले? आपने मुझे देखा? इनके साथ कभी दिखा था मैं? गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। आपको नहीं देखा? जो भी भाई मैम की उसे ज्वाइन किया आपने, बड़ा बताएंगे कैसा कैसा महसूस किया आपने सीए फाउंडेशन? तो क्या वॉज इट हेल्प? ओके बेटा, चलो ठीक है। इधर से कोई आप बताया कि सीए फाउंड, अरे इधर जरा माइक दे भैया। मैम के जो लेगेसी चले आ रही सीए फाउंडेशन लॉ मैम से पढ़े हैं। मैम वैसे क्या होता है ना, इधर भी देना, इधर जरा। हाँ जी, कुवैत कुवैत। ओह भाई, मैंने पहले ही कहना भूल गया है, एसपीसी इज नॉट नेशनल, दिस इज इंटरनेशनल क्लास। एक बार टाले एसपीसी के लिए इंटरनेशनल क्लास हो रही बेटा। आप आए, बहुत बाहर आए, कुछ लोग यहाँ पे नेपाल से भी आए हुए, मैं मिलाना चाहता हूँ। आप पहले बताइए, क्रिश किधर है? क्रिश, ए क्रिश खड़े हो जाए बेटा, इधर आ, इधर आ मेरे पास आ। और तू इधर क्या कर रहा है? आई मीन इधर आ, अच्छा इधर तो आ। नहीं नहीं, डर क्या रहा है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है भारत में। कब आए आप इंडिया में? एक महीना पहले है। जुलाई में। और उसके पहले तक कहाँ थे आप? कुवैत में थे। फाउंडेशन मैम से ही पढ़ा है। तो दुबई में बैठ के आप, कुवैत में बैठ के आप फाउंडेशन में उधर पढ़ रहे थे? आपकी जो एक मिनट बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, असुविधा के लिए खेद है। आपका मतलब आपका जो दर्जा है आज एक लेवल अप गया। हम सोच रहे थे आपका जो काम चलता है उड़ीसा से लेके इंडिया के हर कॉर्नर तक जाता है, पर आप तो बेटा कैसा महसूस कर रहे थे कुवैत में आप? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। एक मिनट में थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, उधर के लेवल पे कैसा लगता है, इंडिया के बाहर कैसा महसूस करते हैं लोग? मैम बहुत अच्छा सिखाती है, रियली वेरी गुड, आई लव इट, थैंक यू सो मच। और आप? वेरी गुड, शी टीचेस रियली गुड, इसलिए तो आई पास फाउंडेशन विद 55 मार्क्स, जो भी, दैट्स व्हाट। बहुत अच्छे। जब आपने फाउंडेशन से करी थी तभी फैसला कर रहे थे कि इंटर भी यहीं करेंगे? सच में वही सही है। चलो बड़ा बहुत अच्छी बात है बेटा। आप सॉरी इनसे मैं आपकी आंखों में आपकी बातों में इतनी खुशी देख रहा हूँ इस वक्त। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी खुशी हो रही है। किधर ये बोल रहा है सर, मुझे भी बहुत खुशी, मुझे भी ये बोल रहा है, मुझे भी मुझे देख के हो रही है, मैम को देख के हो रही है। अच्छा उधर बेटा, इधर एक माइक देना इनके पास में। हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है जी आपका? क्रिश। क्रिश, थैंक यू सो मच। यस क्रिश। सर मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, ओहो, वेरी गुड यार, थाले क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड, नाइस। कहाँ से बेटा आप? यहाँ से पुणे के आसपास ही है। वेरी गुड, नाइस बेटा, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने ऑनलाइन देखा, आज फेस टू फेस करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत आगे जाएंगे, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ऐसा है कि एक क्लास में थोड़ा सा प्यार वाला माहौल बनाएंगे, एक फैमिली वाला फीलिंग होना चाहिए, थोड़ा सा वियर्ड बिहेव मत करना, सभी अपने ऐसा समझा। ओके, लेट्स हैव अ गुड टाइम टुगेदर बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव यू नो गुड टाइम फॉर नेक्स्ट 5 months 6 months। तो एक माहौल ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग क्लास में आने का एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे, लगना चाहिए कि सब अपने ही दोस्त हैं। देखो आपस में बॉन्डिंग, एक क्लास में आने का क्या होता है ना कि ना कि सिर्फ टीचर, दोस्त भी अच्छे बनना चाहिए, तो क्लास में आने का एक्साइटमेंट बना रहता है, वरना हर रोज यार आज भी जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू शुड फील लाइक यार चलो यार आज ना कि सिर्फ पढ़ना है, मेरे दोस्त भी, जैसे स्कूल वाला फीलिंग आना चाहिए। तो क्या होता है कि आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर लाइफ, इसके बाद में कोई आपके फाइनल में लेक्चर्स होते नहीं है,
तो आई थिंक यू शुड हैव अ रियली गुड टाइम फॉर सी इंटरमीडिएट जर्नी. आओ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से स्पेंड गुड टाइम, शेयर लॉट ऑफ थॉट्स विद योर फ्रेंड्स, यू नो, एक अच्छा माहौल बनाएंगे, क्लास का माहौल सैड नहीं बनाएंगे. और जो भी देखो, हर बच्चे का टैलेंट इक्वल नहीं होता, कोई पीछे रहता है कोई आगे रहता है. हमारा काम है कि इसको कोई सब्जेक्ट में वीकनेस है उसको पक्का करे, उसको आगे ले जाए. वरना इतने सब लोग साथ में होने के मतलब क्या है? हाँ, किसी का अकाउंट्स अच्छा नहीं, किसी का लॉ अच्छा नहीं, किसी का एफएम अच्छा नहीं. आपको सबको साथ में लेके चलना है कि भाई तेरा ये कमजोर है, मेरा ये कमजोर है, चलो मैं तुझे सिखाता हूँ. एंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग शुड बी देयर, यू नो. एक वो भावना है ऐसी होना चाहिए कि सब पास होना चाहिए. कभी कोई बंक कर रहा था उसको समझाओ कि नहीं यार चल ठीक है लेक्चर कर लेते हैं. कभी कोई मस्ती कर रहा यार, इतना नहीं होना चाहिए. तो आपका वो एक एटीट्यूड थोड़ा सा आना चाहिए कि आप लोग एक सोशल बने जरा, कि जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि नहीं यार चलो यार सब लोग पास होना चाहिए. और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी इस समय देखते हैं, मैं आई गिव यू दिस गारंटी कि जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में भी, आपको भी उतना ही मजा आने वाला है. बिकॉज वी रियली हैव अ इंटरेक्टिव सेशन. अभी जो लोग ग्रुप टू में भी पढ़ रहे थे, इवन दे मस्ट टेल यू दिस कि वी आर गोइंग टू हैव रियली एन अमेजिंग टाइम. बहुत मजा आता है. सो मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा सा मुझे बताइए मैम कि इंडिया में जो इतनी सारी कंपनीज है, लगभग 16 लाख के करीब करीब कंपनीज है, तो कंपनीज को चलाने के लिए कुछ लोग लगते हैं जिनका नाम है डायरेक्टर, और कुछ लोग होते हैं शेयर होल्डर्स. दोनों के बारे में जानते हो? राइट मैम, आज एक चैप्टर से शुरुआत कर लेते. आपने बेसिक तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कर दिए है. आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे आप? एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो कंपनी की मीटिंग्स कैसे होती है, कौन कन्वे करता है, कैसे मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं. सो वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, तो उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं. पर कंपनीज की मीटिंग क्यों होना चाहिए मैडम? मीटिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं. नहीं, दो दोस्तों के बीच में मीटिंग होती है तो अलग बात है. कंपनीज की मीटिंग होना चाहिए, पर कंपनी के मालिक कौन होते हैं? पर कंपनी चलाता कौन है? मतलब कंपनी कोई और चलाता है? और कंपनी के ओनर कोई और होता है? ओनर कौन होते हैं भाई? शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स? यानी कि अगर मेरे पास कुछ रिलायंस के शेयर्स है तो मैं कौन हूं? नहीं, शेयर होल्डर मत बोलिए, आई एम द ओनर. इस समय जिस इंसान को आप देख रहे हो, ही इज द ओनर ऑफ रिलायंस. I know it sounds funny, but that's the truth. That's the truth, right? कि कोई भी बंदा जो कंपनी के शेयर लेता होगा वो क्या बन जाता है? और जो बंदा कंपनी को चलाता है वो शेयर होल्डर नहीं होता. क्योंकि मेरे जैसे आप जैसे कई लोग जो है वो शेयर लेते हैं, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं आप में से कोई यहाँ पे शेयर मार्केट में डील करता है? अरे यहाँ पे तो काफी लोगों का पोर्टफोलियो मैम, बढ़िया. और चिंटी आप भी शेयर में डील करती हो? क्या बात कर रहे हो भाई, एक बार जरा नजर घुमाना इनके ऊपर, एक बार ज़्यादा बताइए. मैं जाता हूँ. हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आपके पास में भी शेयर्स का पोर्टफोलियो? वेरी गुड. कब से करते हैं आप ये? माइक पास में थोड़ा इसका आवाज बढ़ाना भाई. हाँ आप बोलिए बोलिए, आवाज हमें आ रही है. एक साल से? वेरी गुड. कौन से कंपनी के शेयर्स है, एक दो चार नाम बताएंगे. लायंस भी है? वाह. और अडानी, मतलब सारे टॉप रेटेड कंपनीज को खरीदा है इन्होंने. हाँ वेरी गुड. तो इस समय जो लड़की को आप देख रहे हैं ये कौन है? ये रिलायंस की शेयर होल्डर है या रिलायंस की ओनर है? इस समय हम लोग रिलायंस की ओनर से मिल रहे हैं. और कोई रिलायंस के शेयर होल्ड करता है? आप भी बेटा खड़े हो जाना, बेटा आप भी खड़े रहना जरा एक मिनट के लिए. हाँ जी हाँ जी, जलगांव से, राइट? यस बोलिए. बड़ा लंबा पोर्टफोलियो दिख रहा है इसको. अकेले में मिलेंगे इसे, बेटा तुम भी खड़े रहना. इधर कोई बोला ना जियो फाइनेंस का भी है. जी, बताओ जियो फाइनेंस के शेयर्स किसके पास है? खड़े हो जाओ. आपके पास कौन से शेयर है? अडानी पावर है, जियो है, जियो फाइनेंस, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है, गवर्नमेंट हेल सेल. नहीं, बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है मुझे. बेटा कहां से आया आप? प्रयागराज यूपी. प्रयागराज यूपी से आए आप? कहां से? बिहार से. ओके फाइन. दोस्तों आज देख रहे हैं बिहार से लेके दुबई तक जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, यहां पे आप देख रहे हो जो तीनों लोगों के पास देख रहे हो, एक सिमिलरिटी सब में, और मैं चौथा देख रहे हूं. हम चारों में एक चीज है. हम कौन है चारों?
शेयर होल्डर बोल के बार बार बेइज्जती मत करो बे, बार बार शेयर होल्डर बोल के हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हम कौन है बे? हम यहाँ के विधायक, सुनो जरा मेरी बात। हम कौन, हम चारों कौन बेटा, अपन कौन है? मालिक है। सही पकड़े हैं। हम सब चारों कौन है? रिलायंस के ओनर्स है, जिसको आप शेयर होल्डर बोलते हो। बट प्रॉब्लम है बेटा, आप कभी एजीएम में गए हो रिलायंस के? आप गए हैं एजीएम में? ओ वाह, बड़ा आदमी है। नहीं 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 गए, देखा है। ओके ठीक है बेटा, आप कभी एजीएम में गए? नहीं। आप कभी गए? ई वोटिंग की है, राइट। बच्चों क्या है ना, हम जैसे लोग या जितने भी लोग जो रिलायंस की या कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, बट होता यह है कि कंपनी चलाता कोई और, कंपनी के मालिक कोई और, राइट। तो क्या हम जाते हैं कंपनी चलाने को? क्या आप बेटा कभी सीए फाउंडेशन इंटर की पढ़ाई चुके, आप कभी रिलायंस मैनेज करने हो गए? बेटा आप तो बॉम्बे में रहते होंगे मैनेज करने को कंपनी, नहीं? आप बेटा आप कभी गए? तो बताओ बच्चों होता क्या है, कंपनी चलाता कोई और है। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, अपने लिए कुछ एम्प्लॉयज ढूंढते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर कहलाए जाते हैं, एंड द डायरेक्टर्स आर नोन बट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं चारों मिलके, हम लोग क्या करते हैं, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और डायरेक्टर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा अब यहां पे अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स है तो बेटा आप सब लोग बैठ जाना। मैम एक सवाल पूछ लेता हूं बच्चों से कि कंपनी के पास में अगर शेयर होल्डर्स है तो डायरेक्टर की जरूरत क्यों? कोई मुझे जवाब देगा आज यहां पे? देखते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर में फर्क क्या होता है। आपके सामने मैम जरा स्क्रीन पे भी दिखा देना, रिलायंस के डायरेक्टर साहब बताना, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मेरा सवाल बहुत इजी है, मेरा सवाल यह है कि कंपनी के इतने सारे शेयर होल्डर है और हम चार नहीं, पूरे इंडिया में तो बहुत लोग होंगे जो शेयर होल्डर्स है, तो बताओ इतने सारे शेयर होल्डर है तो फिर डायरेक्टर की जरूरत क्यों है? डायरेक्टर की जरूरत क्यों कंपनी के? आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये इस समय रिलायंस के डायरेक्टर आपके सामने मुकेश जी दिख रहे हैं, और आप इन तीनों को जानते हो, इनकी शादी की चर्चा तो पूरे दुनिया में थी। सबसे राइट में दिख रहे हैं, नहीं फोटो में बड़ा छोटा लग रहा था। हाँ ये वही है, ठीक है, बचपन का फोटो है, आप जानते हैं ऑलमोस्ट। ये सब उसके डायरेक्टर से आपके सामने स्क्रीन पर, हितल मेस्वानी, निखिल मेस्वानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये बोमन ईरानी आप देख रहे हो दोस्तों, ये सारे लोग जो है, ये देखिए अंकल अल हबीबी दोस्तों, आप ये सारे लोग देख लीजिएगा, ये आंटी भी वहां पे है, अंकल जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप बताएंगे ये सब कौन है? ये कंपनी के डायरेक्टर है, और इनको अपॉइंट किसने किया? यानी कि हम चारों गए थे, हम चारों गए थे, कहां गए थे? हम गए थे कंपनी के एजीएम में, जहां पे हमने ना कि सिर्फ इनको, इन सबको हमने अपॉइंट किया है। एज पर द कंपनी लॉ एवरी डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय हूम। तो आप समझे शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं, और कौन मुझे बताएगा अभी इस वक्त? बेटा आपको जवाब देना चाह रहे हो, आप इधर आ सकते हो, एक बेटा इनको आने दो। अरे बहुत लोग उठा गया ना, चलो ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैम थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है। वेरी गुड, इट सीम्स शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, आपको क्या लगता है? यस सर। यस यस प्लीज आ जाइए बेटा, माइक लीजिएगा, पहले तो अपने बारे में बताओ, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू आर? हाय सर, मैं भूमिका, आई एम फ्रॉम श्रीरामपुर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। यस यस वी ऑल नो। या सो हां जी, आपको बताना है अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स है तो कंपनी में डायरेक्टर्स क्यों? डायरेक्टर्स इसलिए क्योंकि वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, वो सिर्फ शेयर्स ओन करते हैं, और डायरेक्टर्स मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में, वो सब पार्टिसिपेट। मतलब क्या डे टू डे ऑपरेशन सही कर रही है? कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन कौन मैनेज करता है? और कंपनी ओनर्स कौन होते हैं? क्या ओनर्स के पास इतना टाइम है कंपनी मैनेज करने के लिए? तो इसलिए हम जैसे लोग किसको अपॉइंट करेंगे? और डायरेक्टर्स विल लुक इनटू व्हाट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एवरीबॉडी यस और नो गाइस, कम ऑन। अब मुझे बताओ आप में से कौन बताएगा कि अगर डायरेक्टर अलग है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और ओनर तो यहीं बैठे हैं, आप मुझे बताओ एजीएम जो मैम का आज का टॉपिक है, मैम आज मीटिंग पढ़ाएंगे आप,
आप बताएंगे मीटिंग्स होना क्यों चाहिए और कंपनी मीटिंग कंडक्ट क्यों करवाती है, शेयर होल्डर का एजीएम होता क्यों होगा? क्या आप में से कोई मुझे जवाब देगा कि कंपनी का मीटिंग होता क्यों होगा? वापस से बता रहे, डायरेक्टर बेटा अलग होते हैं, आगे जाओ बेटा, डर रही हो, हाँ, डायरेक्टर अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स अलग होते। आप बताएंगे एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर की होती है वो होती क्यों है? आप में से कोई जवाब देगा एजीएम होती क्यों है? कोई जवाब देगा एजीएम होती क्यों है? मीटिंग्स होती क्यों? हम बेटा आ जाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, एक बार समझते हैं इनसे भी, बेटा इधर आ जाओ। मेरा नाम शाद है और मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने औरंगाबाद बिहार नहीं नहीं महाराष्ट्र महाराष्ट्र ओके ठीक जो हाँ ठीक यस मैंने आपसे गुरुमन गुरु की क्लासेस कंप्लीट की है। हाँ हुई है मेरी, मैं मैम से मिलने के लिए आया हुआ और कुछ बोलना तो वो बोल दीजिए, बेशर्मी की हद होती है। बताइए आगे, जो डायरेक्टर होते हैं माइक पास, हाँ पास पास, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो डे टू डे मैनेजमेंट करते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पता नहीं होता है क्या मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। अगर जो कोई डायरेक्टर है उसने कोई गड़बड़ की या कोई डायरेक्टर मिसमैनेजमेंट कर रहा है या और कोई अफेयर है जो जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना या ऑडिटर अपॉइंट करना, इसके लिए ये जो है जनरल मीटिंग। तो आप सभी समझ रहे होंगे बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कंपनी चलाता कोई और है, उनका नाम क्या है? डायरेक्टर। और कंपनी के मालिक क्या है? तो मालिक को पता तो होना चाहिए इन्होंने क्या काम किया है। इफ आई एम द ओनर आई शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। और अगर आप साल में एक बार भी अगर मुझे नहीं बुलाएंगे तो मुझे कैसे समझेगा कंपनी में काम? इसीलिए इनकी जिम्मेवारी होती है जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। ये एजीएम बुलाते हैं जिसमें शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। हम जैसे लोगों को नोटिस मिलती है। सर क्या नोटिस भी मिलती है? दोस्तों आपको मैं आज बेटा हमको नोटिस भी मिलती है, हाँ मिलती है। और आज आपको इस एजीएम चैप्टर में यह भी मैम सिखाएगी कि हर शेयर होल्डर को मिलती है नोटिस, और नोटिस मिलती है एजीएम के 21 दिन पहले। मुझे भी मिली थी, मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैम जरा ये लैपटॉप में दिखा सकता हूं मैं, इस लैपटॉप में मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आपके सामने मैं आपको एजीएम दिखाना चाहता हूं। ये रहा आपके सामने, आप सभी को मैं हिम्मत इसको कैसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे क्या? ओके ओके दोस्तों, मेरे सामने इस समय देखना स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने ये मेरा जो कुछ छोटा सा पोर्टफोलियो आपके सामने दिखा रहा है, उसमें आपके सामने जियो फिनांस दिख रहा है, जियो फिनांस दिख रहा है, एवरीबॉडी कमान कमान दिख रहा है जियो फिनांस। और देखना मत, बड़ा लॉस में हूं मैं इसमें अभी तो सब लाले लाल दिख रहा है। एनीवेज गाइस, इस समय नुकसान है थोड़ा सा, आपको नुकसान भी दिखा रहा है, कितना दर्द एक बार दिख लेंगे। कुछ 1.5 लाख के आसपास का मुझे नुकसान हुआ है इसमें, एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप बताएंगे कितने शेयर होल्ड कर रहा हूं मैं? 15,800 शेयर कर रहा हूं। तो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी बेटा, मैं ओनर हुआ कि नहीं हुआ? आई एम द ओनर। तो क्या मुझे एजीएम में बुलाना चाहिए? क्या मुझे नोटिस मिलना चाहिए? तो क्या मैं नोटिस दिखाऊं कि आपको? आ जाओ ना फिर नोटिस देख लो। कहां है सर नोटिस? ये रहा नोटिस आपके सामने। इस समय ये मेरा ईमेल है, मैंने पहले से आपको दिखा था कि टाइम ना हो जाए। यहां पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, दिख रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और क्या लिख रहा है, फर्स्ट एजीएम ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन, क्या लिखा है, ऑगस्ट, कौन सी है, आज की तारीख क्या है? 9th August. अरे इतनी जल्दी मीटिंग के नोटिस मुझे भेज दी? कब आया नोटिस? ये नोटिस आया 11 घंटे पहले, 8 अगस्त। मैम ठीक 11 घंटे पहले मुकेश जी ने खुद भेजा मुझे। अरे भाई कौन है मैं? हाँ तो मुझे बुलाएंगे ना। तो दोस्तों यहां पे 11 घंटे पहले मेरे पास एक नोटिस आई है कि आ जाओ हाँ मीटिंग करने आ जाओ। देखो यहां पे आ गया क्या नहीं है? देखो क्या लिख रहा है यहां पे, फर्स्ट क्यों है? बिकॉज अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट एजीएम ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे अगस्त 30 तारीख को हो रही है। मैम आपके हिसाब से प्रोविजन क्या है मीटिंग का, कितने दिन पहले क्या है, क्या ये पूर्तता कर रहे हैं जियो? कोई भी नोटिस जब कंपनी भेजती है अपने शेयर होल्डर्स को मीटिंग की 21 डेज पहले, कम से कम 21 डेज पहले ये नोटिस जो है वो मेंबर के पास पहुंच जानी चाहिए। अगर आप देखते हो यहाँ पे मीटिंग जो है कौन सी तारीख को है, 30th को, बट ये जो नोटिस है हमको कब मिली है, 8 अगस्त। तो कितने लगभग दिन पहले मिली है बोलो ना। तो
लगभग 21 days, बट वो 21 days में एक्चुअली एक प्रोविजन है कि अगर आप ईमेल से भेजते हो तो आपको 2 दिन एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं होती. तो वो थोड़े से प्रोविजन कॉम्प्लिकेटेड है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बताते जाओगी, बट लगभग आप समझ लो ऐसा नहीं होता है कि आज नोटिस भेजिए कि कल आपकी मीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता है. You get enough time to prepare yourself, जब आप प्रिपरेशन करके AGM के लिए आते हो आप डिसाइड कर सकते हो, अच्छे से प्लान कर सकते हो, एंड यू कैन डिसाइड कि 30 अगस्त को अगर शायद से बॉम्बे में होगी ये मीटिंग, तो अगर बॉम्बे में 2 बजे मुझे पहुंचना है तो यू कैन प्लान वेल बिफोर 30th of August टू गो एंड अटेंड दैट मीटिंग. मैम वैसे तो मुझे लगता है मैं इतना बिजी हूँ, मैं तो जा नहीं पाऊंगा. एक काम कर लेता हूँ, मैं VC के थ्रू चले जाता हूँ. जा सकते हो, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, वहां से वोटिंग हो सकती है. आप सभी जानते हैं मैं ई वोटिंग भी कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, यानी इस मीटिंग का हिस्सा बनना तो जरूरी, मुझे बॉम्बे जाना है, मैं चाहता हूँ तो इसका ई वोटिंग भी करेंगे हम. जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो याद रखना ये प्रोविजन एक्चुअली आपके बुक में दिए हुए हैं. ई वोटिंग का राइट किसने दिया, किसने दिया मैम, कौन सा सेक्शन नंबर जो कहता है, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 108 जो है जो कहता है कि आप ई वोटिंग कर सकते हो. इसका मतलब ये जो कंपनी है 108 का सहारा लेके आपको कह रही है अगर आप यहां नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर सकते हो. एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट. तो इस तरह से दोस्तों जो भी यहाँ पे हो रहा है ना ये सब कुछ कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए रहा है. यहाँ पे देखो बंदा कौन है जो साइन कर रहा है, कौन है जरा स्क्रीन पे देखिएगा, कौन है ये बंदा, ये बंदा वो है जो CS पढ़ा हुआ है, यानी कि लॉ की पूरी समझ है. ऐसे इंसान ने ये सारी चीजों को कंप्लायंस किया हुआ है और आपको भेजी है नोटिस. एवरीवन आपको समझ आया नहीं आया, अरे गाइस आर यू देयर, कम ऑन. सो दोस्तों इस तरह से आपको ये बात समझने की जरूरत है. आप देख सकते हो इनका ऑफिस कहाँ है, यहाँ पे मुझे जाना है, रजिस्टर ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आप सभी जानते हो बॉम्बे में ये मीटिंग होने जा रही है जिसके लिए मुझे जाना है. और अगर मैं नहीं जाता हूं तो आप समझ रहे हो होता क्या है. एक साल में कंपनी ने जो जियो फिनांस में जो पिछले साल परफॉर्मेंस किया हम लोगों को बुलाया जाता है. आज जो मैम डिस्कस करने वाली इसका बैकग्राउंड है, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी प्रैक्टिकल समझ होना जरूरी है, वरना मैम तो AGM पढ़ा देगी आपको फिर आप बोलेंगे AGM है क्या कॉन्सेप्ट. इसलिए आप समझे अच्छा कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ता है. इसलिए मैंने आपको पोर्टफोलियो में पहले बताया कि मैं जियो फाइनेंस का एक्चुअल में शेयर होल्डर हूं, यानी कि आई एम द ओनर. फिर मैंने आपको दिखाया कि ना कि सिर्फ यहाँ पे लिखा है पर एक्चुअल में मुझे मीटिंग की नोटिस आती है, क्योंकि ये सारे सेक्शन जो मैम जो पढ़ाएगी तो यू विल बी एबल टू रिलेट अच्छा एक्चुअल में शेयर होल्डर होते हैं, एक्चुअल में ओनर होते हैं. सेक्शन नंबर 101 जहाँ पे लिखा गया है हर एक मेंबर जो है एवरी मेंबर, मतलब सर ने तो 15,800 शेयर्स खरीदे, अगर मैं एक शेयर भी इस कंपनी में ओन करती हूँ आई एम एलिजिबल स्टिल एलिजिबल टू गेट द नोटिस ऑफ द AGM. तो एवरी मेंबर is entitled to get the notice of the AGM. तो सर के पास क्या इस कंपनी के शेयर हैं? तो क्या सर इस कंपनी के मेंबर है? अरे है या नहीं? तो अगर सर मेंबर है तो सर के पास क्या, सर को क्या नोटिस मिलनी चाहिए? अरे मिलनी चाहिए या नहीं? और इसीलिए सर को यह नोटिस मिली है. इसी नोटिस में अगर आप देखोगे, देखो यहां पे लिखा गया है कि ये जो ये नोटिस जो है अगर आप देखोगे ये नोटिस में लिखा है कि मीटिंग कब होगी, कितने बजे होगी और कौन से दिन पे होगी. तो वही सेक्शन 101 कहता है कि नोटिस में आपको लिखना कंपलसरी है कि डे प्लेस आवर ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग. अगर आप देखोगे यहां पे देखो डेट तो लिखा ही हमने 30 अगस्त, 30 अगस्त के साथ साथ क्या हमने टाइम भी दिया है, अरे बोलो ना. सो डे लिखा है, टाइम लिखा है, और ये फिजिकल मीटिंग नहीं है, दिस मीटिंग इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो दिस ऑप्शन इज गिवन स्पेशली आफ्टर कोविड. कोविड के बाद आजकल मेजॉरिटी मीटिंग्स जो होती है वो फिजिकल ना कंडक्ट करते हुए वी कंडक्ट द मीटिंग्स थ्रू AV मोड, द ऑडियो विजुअल मोड. मैम आप इतना क्यों बता रहे थे कि कितने बजे होता है, क्या होता है, कि इसके ऊपर भी सेक्शन में डिस्कशन होता है? जी सर, ये सेक्शन 101 का हिस्सा है, द फर्स्ट सेक्शन दैट आई विल बी स्टार्टिंग इन द क्लास. ये सेक्शन में वही लिखा है कि नोटिस जो होती है मीटिंग की हर मेंबर को दी जाती है. सो नोटिस इज गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर, और नोटिस में आप लिखते हो डे प्लेस आवर, आवर मतलब द टाइम, एंड ऑल्सो द अजेंडा, अजेंडा मतलब मीटिंग किस पर्पस के लिए कंडक्ट की जा रही है. तो डे लिखा है ना सर, 30 अगस्त प्लेस, यस
टाइम लिखा है और इन्होंने तो प्लेस तो इन्होंने जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो वीसी मोड। हाँ मतलब क्या मैम अगर ऐसा मुमकिन है कि अगर वो चाहता है कि इस बार वो फिजिकल नहीं करवाना राइट तो ये क्या ऑनलाइन करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखे हैं। हाँ दोनों एक बार तो ऑफर आया भी था। हाँ, कि मैं इनके एजीएम में गया था। हाँ, बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ रिलायंस कंपनी तो मैं एक बार गया भी था। तो उस जमाने में इट वाज द टाइम बिफोर कोविड राइट तो आई एक्चुअली वेंट देयर एंड अटेंडेड इट। मैं चाहता हूं मैं बच्चे के साथ में शेयर कर लूं। ओह यस सर, मीटिंग कैसे दिखती है राइट यू वांट टू सी इट। मतलब आपको ये देखना है कि मीटिंग एग्जैक्टली जो लिखा है क्योंकि समझो बच्चों मैम वैसे बताओ आप ये जो टॉपिक शुरुआत कर जी कितने सेक्शन का टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में लगभग 34-35 सेक्शंस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 88 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 122 तो ऐसे करके 30-35 सेक्शंस आसपास इस चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 7 ओके 30-35 सेक्शन के आसपास का चैप्टर है। इसकी आज शुरुआत होने जा रही है। पढ़ने के मूड में है ना अब हम पढ़ लेते राइट ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ आपके सामने दिख रहा है। एक काम करते हैं अगर सच में कोई कहते हैं कि फिजिकल मीटिंग होना चाहिए तो कैसी होती है आइए चेक करते हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मुकेश जी को। मुकेश जी का एजीएम चल रहा है आपको फोटो में दिख रहा होगा बहुत लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जी है ना। एक बार चेक करते हैं एक थोड़ा सा शॉट है मुकेश जी का जिसमें मुकेश जी इमोशनल भी हो रहे हैं एक बार देखते हैं। ऑक्सकॉट देना ना उनकी आंखों में आज दर्द है। 40 साल कंप्लीट हुए थे रिलायंस को। थैंक यू मामा फॉर ऑल। किसी बच्चे की आवाज कहाँ से आ गई? मामी आई थिंक एक मिनट कौन सा बच्चा आ गया ये क्या रहा गुड मॉर्निंग जो नहीं जा रहा है मम्मी जी एक मिनट अरे ये शादी में आ गए हम लोग अरे यार ये कहाँ से आ गया। दीस 40 इयर्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू ओनली वन पर्सन टू आवर फाउंडर चेयरमैन श्री धीरूभाई अंबानी। एक बार इसको रिस्टार्ट करता हूं। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दीज 40 इयर्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू ओनली वन पर्सन टू आवर फाउंडर चेयरमैन श्री धीरूभाई अंबानी। ये सब कौन लोग बैठे हैं? ये सब लोग जो बैठे हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, है ना? एक बार चेक करें। अच्छा आपको स्टेज पे भी और कोई लोग नजर आते हुए दिख रहे होंगे? आपको दिख रहा है? इनमें से आपने इनको देखा होगा, हमने थोड़े देर पहले दिखाया था। ऑल दीज आर यस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे जो लोग स्टेज पे दिखे हैं आपने जिनकी तस्वीरें अभी देखी थी ना वो सारे लोग बैठे हैं। दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने एक साल कंपनी चलाई है। अब वो एक साल में क्या क्या हुआ है वो जनता के सामने पेश करेंगी कि आपने करना चाहिए। क्या मैम ये एजीएम लेना ये एक वॉलंटरी काम है या एज पर द लॉ लेना जरूरी है? नहीं, इट इज कंपल्सरी। हर एक कंपनी को एवरी ईयर एक एजीएम तो कंडक्ट करना जरूरी है। मतलब हर साल सेक्शन नंबर 96 कहता है दैट एजीएम कंडक्ट करनी ही होगी कंपनी को। उसके अलावा अगर आप और मीटिंग्स कंडक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट दैट वुड बी वॉलंटरी। तो उसको हम कहते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज सेक्शन नंबर 100। बट 96 के द्वारा हर कंपनी को कंपल्सरीली, मतलब इट्स मैंडेटरी कि आपको एजीएम कंडक्ट करना ही होगा। ओके थोड़ा सा मैम मीटिंग को दिखाते हैं जी। इसकी आवाज में किसको प्रॉब्लम है? ओके अरे ये तो क्रिकेट मैच में दिखे रंग। ओके थैंक यू
ओके, काफी इमोशनल सीन चल रहा है यहाँ पर। And all through this 40 years, I am grateful to my mother, Shrimati Kokilaben. भाई वॉइस नॉट क्लियर ऐसा बोल रहे हैं ना सब लोग इधर। वर्चुअल बच्चे भी बोल रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर। अभी क्लियर क्या है? एक बार सभी लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं एक बार बता दीजिए आवाज सही क्या? स्वप्निल सर वॉइस नॉट क्लियर। इस माइक में इशू है। इस माइक का इशू है। ठीक कर दो यार, आज का फर्स्ट डे ठीक है, पर ठीक कर दो इसको। ठीक है या उस क्लास का कुछ है दूसरा माइक चले? दोस्तों आप देख रहे हो ये कंपनी का एक एजीएम चल रहा है। ये बात और है, यहाँ पे कुछ इमोशनल सीन चल रहा है। मैं आपको एजीएम दिखाता हूँ रिलायंस की। बहुत अच्छे अच्छे मीटिंग्स होती हैं इनकी, जहाँ पे बहुत मैम कौन सा मीटिंग दिखा दे? 47 दिखा दे। चलो 46 दिख रहा है, दिखा दो। ठीक है। ऑल ऑफ यू टू द 46th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। This meeting is held through video conference. अब ये VC mode है. This is in compliance with the circ. ये खुद बोल रहे हैं कि ये जो meeting हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? VC mode. अच्छा इसमें आगे वो बोलेंगे कि ये जो meeting हम conduct कर रहे हैं, it is in compliance of this section of the Companies Act. Okay. तो ये अच्छे से circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present. Quorum. एक मिनट, मुकेश जी खुद बोल रहे हैं quorum present है। मैम के ये भी एक सेक्शन का पार्ट है जी सर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। ये मुकेश जी ने अभी एक क्यों बोला quorum? किसी एक मिनट मैम थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। किसी को पता है आप में से quorum क्या होता है? आप में से किसी को पता है कोरम क्या होता है? बड़ा इधर आ जाइए। ये चिंटू बता रहा है कि कोरम क्या होता है। मैम वैसे इस क्लास में काफी बुद्धिजीवी लोग नजर आ रहे हैं, काफी नॉलेज रखते हैं। ग्राफ खड़े हो जाइए यहाँ पे। बता बेटा कोरम क्या होता है? कोरम को लाउडली बोलना पड़ेगा। कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ, ये इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा बढ़ा दे इसके। कोरम जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं जो मीटिंग में अटेंड करना जरूरी है। अगर वो मिनिमम नंबर रीच करता है तो ही मीटिंग कंडक्ट करना पॉसिबल है, नहीं तो नॉट अलाउड। बिल्कुल सही कह रहा है ये। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां उस बच्चे के लिए यार, क्या जवाब दिया बेटा। यानी कि आपके हिसाब से अगर एजीएम, मैम आप बता सकती हैं प्रोविजन लॉ के हिसाब से क्या कोरम का है, कितना कोरम होना जरूरी है? तो सेक्शन 103 के हिसाब से अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जो कोरम लगता है दैट इज 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। मतलब ये मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। ओके एक ही बंदा आया, बताओ एक बंदा अपने आप कैसे मीटिंग कंडक्ट करेगा? हाँ, तो आप मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में जो कोरम है वो डिपेंड करता है अपॉन योर नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसे एक्चुअली 3 स्लैब्स है, 5, 15, 30। ठीक है, मतलब कम से कम डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। 30 तक तो मतलब मैक्सिमम, 30 अगर आ गए। हाँ, तो जैसे रिलायंस के लिए कोरम है 30। हाँ, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। हाँ, तो क्या अभी आपने जो मीटिंग देखा 30 से ज्यादा लोग नजर आ रहे थे? तो बेटा आपके हिसाब से अगर कोरम में 30 लोग अगर होना चाहिए और 30 लोग नहीं आए तो क्या वो मीटिंग चालू हो सकती है? नहीं हो सकती है। और यदि आपके हिसाब से अंदाजन आप सभी को बताएंगे, अगर 30 लोगों का इन्होंने कोरम रखा है और 30 लोग नहीं आए और फिर भी कुछ फैसले हो गए यानी कुछ डिसीजन लिए गए तो वो वैलिड माने जाएंगे नहीं माने आपके हिसाब से? वही तो बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं कोरम आ चुका है मेरे जूम मीटिंग पे, उतने लोग आ चुका है। मैम एक सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ। कि मान लीजिए आपके हिसाब से एक सवाल पूछ ले चाहते हैं, बट आप भी आ जाओ।
बेटा आपके हिसाब से 20 लोग मान लीजिए ऐसी मीटिंग है जो फिजिकल भी हो रही है और ऑनलाइन भी हो रही है, 20 लोग आए हैं सामने और 11 लोग आए ऑनलाइन जूम पे, तो क्या आपके हिसाब से इसको वैलिड माना जाएगा? आपका लॉजिक क्या कहता है? पर मैम आपने तो कहा 30 लोग होना चाहिए, 11 ऑनलाइन है 20 फिजिकल, तो 11 ऑनलाइन है उनको भी मीटिंग का ही पार्ट माने जी सर, क्या उसको भी कोरम मानते हैं? राइट, कि ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये भी सेक्शन है? हाँ, यानी आप समझ रहे हो क्या, लोगों को जिस भी चीज के ऊपर कंफ्यूजन होता है वहां पे सेक्शन बन जाता है, यानी कि पूरी कंपनी जब काम करेगी ना दे हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द लॉ। अगर मेरे पास एसपीसी का प्राइवेट लिमिटेड है, मैं तो एक छोटा इंसान हूं, इवन आई हैव टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट। लगभग हमारे सिलेबस का 60-70 मार्क का पोर्शन एक कंपनीज एक्ट के ऊपर है जी, और आप जब सीए बनोगे तो ऑडिट भी कंपनीज का करोगे, तो आपको चेक करना पड़ता है कि कंपनीज ये जो सारे सेक्शन जो दिए हैं वो सेक्शन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। आप कहेंगे मुझे क्यों पता होना चाहिए, मेरी तो कंपनी नहीं है, मैं तो ऑडिटर हूं, पर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो तो एक कंपनी है। तो ये जो लिखा है कि मीटिंग की नोटिस 21 दिन पहले जाना चाहिए या कोरम 30 होना चाहिए, ये कौन चेक करेगा भाई? एज एन ऑडिटर यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरी कंप्लायंस, इसीलिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपकी कल्चर के खुद की कंपनी हो या आप किसी कंपनी का ऑडिट करें, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये हम आप जब आए तब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऑडिट करने का काम सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया है एंड दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए के अलावा कोई भी व्यक्ति ऑडिट नहीं कर सकता। अरे बट ऑडिट करने के लिए आपको खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रोविजन क्या कहता है, समझ रहे हो आप? राइट राइट, एंड दैट इज व्हाई कंपनीज एक्ट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है आपका जी? श्रेयस मंगा। कहां से है? सोलापुर। श्रेयस फ्रॉम सोलापुर, बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम, एंजॉय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। यस ओके, अब आगे बढ़ेंगे मैम, थोड़ा सा मीटिंग एक सेकंड के लिए चला दो, आगे बढ़ते हैं। आई कॉल द मीटिंग टू ऑर्डर। Register of directors and key managerial personnel and their shareholding and register of contracts or arrangements in which directors are interested are available. These will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce for the benefit of new members my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, श्री आर एस गुजराल। इनको देखा था अभी, वो क्या बोल रहे हैं, ये सारे लोगों ने कंपनी का एक काम एक साल काम किया हुआ है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन लोगों को जिन्होंने हमने काम किया और साल में हमने क्या काम किया वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम लोग एजीएम के मैम 30-35 जब सेक्शन पढ़ाएंगे ना, आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड में स्टोरी चलना चाहिए कि रिलायंस आपकी कंपनी है, इन्होंने काम किया है और वो बता रहे हैं। पर क्या होता है, ये लोगों ने मिसयूज नहीं करना चाहिए, हम जैसे गरीब शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर लॉ ने प्रतिबंध लगाया कि आपको ऐसे बोलना है, ये सब लिख के देना है, इतने दिन पहले मीटिंग होना चाहिए, हर साल में होना चाहिए, ऐसा नोटिस आना चाहिए, सब कुछ उनको पहले से, और वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, और अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो यहां पे लॉ में आपके कई सारे पनिशमेंट भी लिखी हुए है, समझ आ रहा है? सो मैम क्या ये सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, राइट, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, निधि कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, कोई भी टाइप की कंपनी क्यों ना हो, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुमित बैनर्जी, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, हिज एक्सेलेंसी यासिर अल रुमायन, श्री के वी चौधरी, गर्ल गुड मॉर्निंग, श्री के वी कामत, श्रीमती नीता अंबानी, अरे तालियां तो बजा दो यार, क्या कर रहा है ये मुंबई इंडियंस, श्री निखिल मेस्वानी, ये वैसे ही वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यही है, ये एग्जीक्यूटिव है, बाकी बहुत सारे लोग नॉन एग्जीक्यूटिव है, कुछ इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर का मतलब है कि ये डे टू डे ऑपरेशन में कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, right. यानी सवेरे आते हैं रिलायंस के ऑफिस में, रात में जाते हैं, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं वो सिर्फ मीटिंग टू मीटिंग आके ज्ञान मिल जाते, उनको कुछ काम नहीं, तो वो आएंगे मीटिंग में और मीटिंग में आएंगे ज्ञान देंगे चले जाएंगे। पर कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव है, ये कंपनी के साथ में रोज उठते बैठते उनका काम ही, रोज धंधा पानी उनका ही किया, रिलायंस रिलायंस रिलायंस, समझा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, तो ये एग्जीक्यूटिव है। श्री हितल मेस्वानी, ये उनके भाई है, वो भी
Shri PMS Prasad. I hope you guys are understanding what is happening. And the result is dated August 4, 2023, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2023 have already been circulated to members of the company electronically. Yeah. So actually, हाँ आप बताओ हर मीटिंग में क्या होता है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम मेंबर्स को प्रेजेंट करते हैं और मेंबर्स उनको कंसिडर करके अडॉप्ट करते हैं. तो मैंने आपको बताया था ना हर मीटिंग में कुछ तो चीजें हैं जो कंपलसरी होती है, जैसे कि शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है, और एक चीज हर एजीएम में होती है, हम लोग कंसिडर करते हैं और अडॉप्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. साल भर कंपनी में जो भी हुआ है इसकी जानकारी डायरेक्टर्स के पास होती है, कितने हमने एसेट्स खरीदे, कितनी लाइबिलिटीज इनकर की है, कितना प्रॉफिट हुआ या कंपनी कितने लॉसेस में, ये सारी चीजों की जानकारी अब हम एजीएम के द्वारा हमारे शेयर होल्डर्स को यानी कि हमारे मेंबर्स को देते हैं. तो ये यही कह रहे थे अभी जो उन्होंने कहा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न. सेक्शन नंबर 92 में आप एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़ोगे जहां पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बहुत सारी चीजें कंपनी के बारे में लिखी होती है, इसको हम ले डाउन करते हैं इन फ्रंट ऑफ. सेक्शन भी है 136 जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, जिसमें लिखा है कि कंपनी का एजीएम आज है. ध्यान से सुनना सेक्शन नंबर 136 की बात कर रहा हूं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको. 136 कहता है कि अगर आज एजीएम है ना आज, तो एजीएम होने के 21 डेज पहले जिस प्रकार आप नोटिस भेजते हो ना उस प्रकार आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट भी आपने शेयर होल्डर को भेजना चाहिए ताकि शेयर होल्डर विल गेट इनफ 21 डेज टू प्रिपेयर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन द बैलेंस शीट, ताकि वो लोग पढ़ेंगे और पढ़कर कंपनी के एजीएम में आएंगे अगर उनके कुछ सवाल है कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं. तो ना कि सिर्फ नोटिस जाते आ जाओ आ जाने के साथ में बोलते हैं एजेंडा मीटिंग का क्या होगा, ये पी एंड एल, ये बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना, पढ़ के आ जाना, कुछ डाउट है तो मिलके बात करेंगे और मीटिंग में डिस्कस करेंगे. सर 21 दिन पहले क्यों दिया जाता है? अरे यू शुड गेट, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बैलेंस शीट है, कम ऑन गाइस, पीपल वॉन्ट टू हैव व्हाट इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर, राइट. तो ये सब चीजें उनको दी जाती है और लोग पढ़ के आते हैं, फिर मुकेश जी से सवाल पूछते हैं, अरे मुकेश जी आपने तो पी एंड एल में ये खर्चा लिखा था, चाय पानी का खर्चा 2000 करोड़, कौन सी चाय पीते हो आप? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. तो इस तरह से जो सारे सवाल थे उसके, और अच्छा मैम ये जितने भी डायरेक्टर होते हैं दे आर आंसरेबल फॉर एवरी क्वेश्चन व्हिच इज रेज्ड बाय द शेयर होल्डर बिकॉज उस कंपनी हमारे ओनरशिप का मतलब क्या है भाई, मैं ओनर हूं तो मेरे सवाल का जवाब किसने देना, इन्होंने देना चाहिए. अर्गणी में उस तरह से मैम आप इसको हटा दूं मैं जी. ओके मैम आप आगे बढ़ेंगे. मैम एक सवाल पूछ लूं, राइट, ये बच्चे बहुत बुद्धिजीवी नजर आ रहे हैं मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो सेक्शन है वो सारे कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं? यस सर. क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत की कुछ टॉप कंपनीज कौन सी, क्या आप मुझे इस समय की इंडिया की टॉप 5 कंपनीज मार्केट कैप वाइज बता सकते हो? आप एक जनरल नॉलेज टेस्ट कर लेता हूं, बच्चों का थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करता हूं, देखते हैं नॉलेज किसके पास है, देखते हैं किस भारत की सबसे बड़ी 5 कंपनियां कौन सी है जिनको कंपनीज एक्ट लगता ही लगता है. आप बताएंगे कौन सी, जनरल नॉलेज की बात है, एकदम डायरेक्टली आपको बता होना चाहिए भारत में विशेष 5 कंपनीज बड़ी है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, 5 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज यानी कि इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस सबसे बड़ा है. कोई जवाब देगा? सही जवाब देंगे तो आपको हम लोग आज मैम की ओर से 500 रुपीज का इनाम देंगे. मैम ट्रांसफर कर देना ऑनलाइन. ओके मैम के पास है तो मैम जो भी है ट्रांसफर कर देती है, मेरे पास कुछ नहीं, मैम से मुझे सैलरी मिलती है, कुछ भी लॉ सब्जेक्ट में जितना मैं पढ़ाता हूं उसका मैम थोड़ा रिमुनरेशन मुझे देती है, जो मेरे पर्सनल काम में आता है मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैम देती है. और बताएंगे एक दो लोग बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, और आप में से कोई आप भी जवाब देना चाहते हैं? बेटा इनको एक ट्राई करवाता हूं, इधर आ जाओ बेटा, देखते हैं इस बच्चे के पास थोड़ा सा नॉलेज, इसकी आंखों में मुझे सपने दिख रहे हैं. बेटा जी क्या नाम है आपका? देव शिंदे. कहां से है? पकड़िए देव शिंदे हमारे बीच में है. देव बताए इंडिया की टॉप 5 कंपनीज, 3-4 भी अगर आप सही दे तो बहुत अच्छी बात है. HDFC. ये कह रहा है HDFC. आप इस बात से सहमत हो? जी. सहमत हो या नहीं?
ये कह रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में एक एचडीएफसी आती, दो रिलायंस कह रहा है, सही कह रहा है, ओके। तीसरी बात इंफोसिस सही कह रहा है, ओके। और टाटा कंपनी और आईटीसी आई डाउट, ओके। बट एनीवेज आपने जो चार कंपनी बोली मुझे बड़ी खुशी हुई। दोस्तों इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया की टॉप रेटेड कंपनीज आपके सामने ये रही स्क्रीन पर। अब फोर्ब्स के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जिसका अभी मार्केट कैप है 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ की कंपनी है। इससे बड़ी कोई कंपनी इंडिया में इस समय मौजूद नहीं। टाटा कंसल्टेंसी की बात करते हैं, टीसीए जो सॉफ्टवेयर बनाती है 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। थर्ड नंबर पर आई है एचडीएफसी 12 लाख, लगभग 13 लाख करोड़। आईसीआईसी बैंक जिसका नाम आप लेना भूले थे 8 लाख करोड़। आपने जो इंफोसिस का नाम लिया वो है, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत लगभग करीब करीब थे आप। SBI 7.5 लाख करोड़, भारतीय एयरटेल 8.5 लाख करोड़, ICICI बैंक 8.5 लाख करोड़, LIC 6 लाख करोड़, ITC चलो ठीक है 5 लाख करोड़ एंड HUL 5 लाख करोड़। आई होप आपको ये सारे क्या है, ये सारे कंपनी का मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस से, वैसे कभी कभी ऊपर नीचे जाती है। वैसे बेटा आप जानते हो, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ऑलमोस्ट सही थे, एक बार ताली इस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा। वैसे बताओ आपको मतलब ये कहां पढ़ा आपने, क्या नॉलेज रखते हो कंपनीज के बारे में या शेयर मार्केट में कैसे, मतलब ये जानकारी तो किताबों में नहीं होती। स्टॉक्स है, स्टॉक्स है थोड़े पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। हाँ। इसका आवाज लाउड कर भाई। हाँ बोलिए। टाटा पावर है और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आप शेयर में ट्रेडिंग कितने सालों से कर रहे हो? ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग किया। इन्वेस्टमेंट किया, कब से कर रहे हो? 2-3 सालों। 2-3 सालों से, मतलब आप जब 11th 12th में थे तभी से? और किसने बोला था आपको? नहीं, मैंने खुद नहीं, खुद ने डिसाइड किया। वेरी गुड। और होता क्या, ऐसा कुछ नहीं कि शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, पर इन्वेस्ट करते हो तो आपका थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज भी मिलना स्टार्ट होता है। हालांकि आपके पास में शेयर 1000 रुपए क्यों ना हो, पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से यू गेट यू नो थोड़ा सा आपका ये सब चीजें, फिर हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं हर बंदे का डीमैट खुलना चाहिए थोड़ा बहुत, 2000-5000 कम से कम कुछ तो लेकर रखो, ताकि यू विल हैव यू नो हमेशा अच्छा क्या चल रहा दुनिया में, एंड सो दैट यू विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट कंपनीज। बड़ा थैंक यू सो मच शिंदे साहब, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, इस समय आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, मैम बच्चों को थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूं। वैसे रिलायंस को नंबर वन कहते हैं, पर मेरी नजर में टाटा ग्रुप जो है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, क्योंकि टाटा सन्स में बहुत सारी कंपनीज का समावेश किया जाता है। इस समय टाटा सन्स की बात करते हो, ये TCS नाम का एक ही बच्चा है, ऐसे तो टाटा के पास में कई बच्चे है, उसका एक बच्चे की वैल्यूएशन ही 14 लाख करोड़ की है। तो अभी तो मैंने टाटा स्टील की बात ही नहीं की, अभी टाटा मोटर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और आप सभी जानते हो टाटा के SBUs कितने हैं, क्या आप मुझे टाटा के 2-4 कंपनी और बता सकते हैं? टाटा टी है, टाटा नमक है, आप क्रोमा आपने कभी देखा होगा, तनिष्क सुना होगा, इंडियन होटल्स यानी ताज होटल्स आपने कभी सुनी होगी, टाटा पावर है, टाटा केमिकल है, टाटा इंश्योरेंस है, ये आई मीन कितनी सारी कंपनीज टाटा लेकर चल रहा है। तो अगर इन सारे कंपनीज को मैं अगर एक साथ करता हूं मैम, तो इंडिया के सबसे ऊपर जो कंपनी है वो टाटा सन्स है, जिसका मार्केट कैप इज लाइक यू नो अराउंड 30 लाख करोड़। अगर मैं आपके सामने अधिकतर, सर ये सारी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आज हम लोग कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, और जब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भारत में रहने के नाते ये कंपनीज एक्ट का उपयोग करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज है कौन। तो ना कि सिर्फ रिलायंस है, बल्कि ये सारी कंपनीज भी जो है वो इनका सबसे ज्यादा उपयोग करेगी, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। पर नो कंपनी कैन व्हाट, नो कंपनी कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनी ऑफ द सेक्शन, सारे सेक्शन को सबको कंप्लाई करना, चाहे वो टाटा हो चाहे कोई भी हो। इस समय आपको दिखा रहा हूं टाटा सन्स टोटल नेटवर्थ या टोटल वैल्यूएशन, चलो ठीक है देखते थे टोटल वैल्यूएशन, इस समय ₹8 trillion 96 billion INR कर देता हूं। लाख करोड़ को फैक्टरिंग, ये कुछ गलत बता रहा है, 7.8 trillion यहाँ पे कुछ, सर ठीक है मार्केट कैप, मैं मार्केट कैप ही बोल रहा हूँ, टोटल सन आप देख सकते हो मार्केट कैप ये है, TCS का दिखा रहा है, टाटा सन्स मार्केट कैप, टाटा सन्स मार्केट कैप ये लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास आता है, ये मनी कंट्रोल, ये देखो यहाँ पे आया, सही है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये लगभग आपके जो संख्या आ रही है इट इज अराउंड, अगर आप यहां देखते हैं इट इज अराउंड व्हाट 30 लाख करोड़ के आसपास का पैसा है, राइट ये 30 लाख करोड़ के आसपास का पैसा बच्चों इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इस समय हम लोग जो देख रहे हैं वो टाटा ग्रुप एज अ होल है।
तो दोस्तों क्या इन सारी कंपनीज को फॉलो करना जरूरी है? आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले जो भी कंपनीज होती है जिन्होंने कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया उनकी बजाय जाती है। आपने कुछ समय पहले यह भी सोचा होगा कि पेटीएम को बंद करने वाले, आपने सुना कुछ दिनों पहले न्यूज था मैम, कुछ दिनों पहले ऐसा न्यूज था कि पेटीएम को बंद करेंगे। इसका मतलब जो भी इंसान वायलेशन करेगा वो कंपनी बर्खास्त की जाती है। भाई इंडिया में कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप पेटीएम जैसी कंपनी, आप हर कोई बंदा जो जानता है उसकी भी बंद होने की नौबत आ गई इफ यू डोंट फॉलो द कंप्लायंसेस। इसका मतलब ये हो रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर कानून के आड़े अगर रिलायंस है तो रिलायंस भी बंद हो सकता है। इसे दोस्तों हमने सभी ने भी जब कंपनी में कोई निवेश करना चाहिए तो पहले चेक करना चाहिए कि कंपनी के सारे सेक्शन कंप्लायंट है, यानी कि एवरी पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन द कंपनी मस्ट चेक की कंपनीज एक्ट के और सारे जितने भी लॉ है वो सारे फॉलो किए जाते हैं क्या नहीं जाते हैं। मैम प्लीज आगे बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं yes. और समझते हैं कि कोई भी कंपनी को अगर मीटिंग कंडक्ट करना कंपलसरी है तो नोटिस जो है कौन बनाता है और किसको किसको भेजता है ये नोटिस और इसी नोटिस में क्या सारी चीजें लिखी जाती है। तो देखो पहली बात तो ये जो नोटिस होती है कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टू मेक द नोटिस, इट इज बेसिकली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव द पावर टू मेक द नोटिस। बट अब देखो डायरेक्टर्स यूजुअली मैनेजमेंट, उनको धंधा करने आता है, बिजनेस करने आता है, लॉ से रिलेटेड ज्यादा चीजें वो जानते नहीं है। तो यूजुअली डायरेक्टर्स ये जो पावर है वो डेलीगेट करते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसको लॉ का काफी नॉलेज है। तो सर ने ये जो नोटिस बताई थी रिलायंस की, आप बताओ ये नोटिस किसने ड्राफ्ट की थी? कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन लॉ। तो आप प्राइमरीली अगर देखो सेक्शन को, सेक्शन प्राइमरीली कहता है कि नोटिस जो है उसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अगर डायरेक्टर्स चाहे अपना ये जो पावर है वो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। ये यूजुअली जो कोई और रहता है इज यूजुअली द कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव द पावर टू ड्राफ्ट द नोटिस and if they don't want to make the notice it is the board of directors who delegate the power। in short single director jo hai na notice bana sakta hai aur na notice banane ka power kisi aur ko delegate kar sakta hai। matlab mukesh ambani bhale hi kitne bade expert kyun na ho wo akele agar chahe kya notice bana sakte hai या उनकी अगर इच्छा है कि हम ये पावर इस कंपनी सेक्रेटरी को दे रहे क्या वो अकेले ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं? नहीं। डेलीगेट अगर करना भी है ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर विल डिसाइड कि ये पावर किसे हमें डेलीगेट करना है एंड देन दैट पर्सन विल बी ऑथराइज्ड टू मेक एंड डिस्पैच द नोटिस। ओके तो पहला पार्ट जो है सेक्शन नंबर 101 का है, कौन है वो ऑथोरिटी जिसके पास नोटिस बनाने का पावर है? जनरल रूल बताओ, हु हैज द पावर टू मेक द नोटिस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अगर डायरेक्टर्स को ये लीगल कंप्लायंस में नहीं पढ़ना है, क्या डायरेक्टर्स ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? तो ये जो कोई और है वो कौन होगा? हाँ, कंपनी सेक्रेटरी। एक सवाल है, हाँ। जो हम लोग स्क्रीन पे जितने भी सारे डायरेक्टर देख रहे थे तो क्या इनको कलेक्टिवली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं? सो यस, ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर आर नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अभी जो डिसीजन है ये मेजोरिटी लेता है, राइट? तो आपको 100% कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो मेजोरिटी लोगों ने डिसाइड किया है उस पर्सन को हम पावर डेलीगेट, यानी कि अगर मैं बीआर की बात करता हूं उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। अगर 10 डायरेक्टर कंपनी में है तो अगर 6 भी हां कह दे तो वो चीजें फाइनल हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, so it is the board of directors who have the power to draft a notice. और ये notice में लिखा क्या होता है? मैंने आपको बताया था चार चीजें हैं, क्या आप बता सकते हो? मुझे याद है आप लोगों को अभी जब चार चीजें लिखी जाती है मैम, जो जियो का बोर्ड है तभी ना। हाँ, आप बताइए कोई चार चीजें एक नोटिस में होना ही चाहिए, एक मुझे याद आ रहा है, बट आप जवाब देना चाहते हैं, खड़े हो जाइए।
बेटा कैमरा में कवर करना, ये लड़की की आंखों में मुझे बहुत सपने दिख रहे हैं। चार चीजें हैं जो आप बेटा पहले तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, आपका नाम क्या? हेलो एवरीवन, मेरा नाम चहक धूत है। मैंने मैम आपसे ही मेरी 12th अभी हुई थी, तो मैंने 2.5 महीने में सिर्फ आपकी वजह से लॉ पास कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब मेरा एकदम माइंड क्लियर था कि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स थे, बट मैंने गूगल ड्राइव भी लिया था और यूट्यूब के रिविजन लेक्चर्स RTP जो भी आपने सॉल्व करवाई है, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैंने आपको क्लास में देखा है ना। हाँ, मैं डेमो के लिए भी एक बार आई थी। हाँ राइट। तो थैंक यू मैम। सर एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश पचमढ़ी से हूँ। पचमढ़ी इज अ हिल स्टेशन। ओके, यस आई नो। हाँ नहीं नहीं जाना है, अब आएंगे। हाँ मैम बिल्कुल आइए, हमें घुमाना उधर। हाँ मैम, हमारी होटल भी आप आइए, आपका स्टे सब हम देख लेंगे। हम तो आपके घर पे आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैम जो नोटिस में सबसे पहले डेट, टाइम, एजेंडा और एक जगह प्लेस की मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट की जाने वाली है। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां इस लड़की के लिए। वेरी गुड बेटा, एक बात तो पहले लग रही है, पढ़ते तो सभी है, मुझे लग रहा है आपको ये पढ़ने का और सुनने का एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। आपको इतना एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा था कि आज कब क्लास चालू होगी और मैं कितना पढ़ लूं, ऐसा लग रहा है आपको देख के। यू आर एक्साइटेड। और कितने कॉन्फिडेंटली उसने जवाब भी दिया। यस सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पहले लगा था कि सिर्फ मैम को ही पढ़ने के, मतलब मैम को देखूंगी, बट आपको भी देखा तो और एक्साइटेड हो गई। मतलब सिर्फ मैम के लिए नहीं आई, आपके लिए भी आई हूँ ऐसा। मतलब आपने जो कवर अप किया बहुत अच्छा लगा मुझे। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आपको ये एक पे एक फ्री चल रहा है यहाँ पे ऑफर अभी फिलहाल। ये 2 teacher एडवांटेज चल रहे हैं और हम दोनों हमेशा बिलीव करते हैं कि हम जब साथ में आते हैं तो हम लोग क्लास को ठीक से मैनेज कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट दैट इंटरेस्ट रैपो इन द क्लास। तो बिकॉज हमारे दोनों का एक एक्सपर्टीज अलग है, मैम का अलग है, मेरा अलग है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको 2 teacher एडवांटेज मिले और आपको हमेशा क्लास में बहुत अच्छा फील करवाने की हम दोनों कोशिश करेंगे। तो मैम आप जरा बताएंगे एज पर द सेक्शन कौन सी वो 4 बातें हैं, क्या आप सेक्शन बुक में बता देंगे या कैसे करेंगे? अभी सोच रही हूँ, चार्ट के द्वारा बता देती हूँ। ओके, ये स्क्रीन फ्रीज हो गई है, कैसे करेगा? मिररिंग हटा दे। हाँ हो गया। ओके हाँ, तो ये पूरा सेक्शन 101 का समरी है। इसमें से हमने ये पहली बात जो है वो ऑलरेडी कर ली है, पॉइंट नंबर ए, प्रॉपर ऑथोरिटी। तो अगर आप देखोगे, आप लोग रीड करोगे ये पॉइंट नंबर 1 एक साथ एक आवाज में, द बोर्ड, चलो मेरे साथ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग, दस अ सिंगल डायरेक्टर विल हैव नो पावर टू कॉल। वहां पे क्लियरली लिखा है सेक्शन नंबर 101 में कि अगर पावर हमने दिया है, दिस पावर इज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक सिंगल डायरेक्टर चाह कर भी नोटिस ड्राफ्ट नहीं कर सकता। बट अगर डायरेक्टर्स को यह काम नहीं करना है, क्या डायरेक्टर्स ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? तो पॉइंट नंबर 2 एक साथ सब लोग रीड करेंगे प्लीज। इफ द डायरेक्टर्स विश टू, दे कैन डेलीगेट। And then that person shall be authorized to call for the meeting. एक बार मैं पूछता हूँ, जिसको delegate किया है उस बंदे का नाम क्या है? बेटा आप बताएं, आपने पढ़ा था अभी? Company secretary. Company? Secretary. आपने कैसे मालूम किया ये? सर वो नीचे में जो दिया था। आ, वो ना नोटिस में। और समझा, जो हम लोग जो प्रैक्टिकल देखते कैसा सेक्शन में काम में आया, बहुत बहुत काम। अभी अभी, अभी क्या आपको लगता है ये चीज हम लोग भूलेंगे कभी? नहीं। आप समझ पा रहे हो, आप अपने आप से, ये आप भूलने का स्कोप नहीं, इसको बोलते हैं माइंड पे रजिस्टर होना। बिकॉज आपने उसका प्रैक्टिकल देखा, अब उसका थ्योरी, क्या भूलने का स्कोप बचा है? क्योंकि एक बार जो हमने देखा कि जैसे, और हमने काफी फन में जो उसको समझा, तो एक ऐसा होता है कि माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल बेटा। और ये आपके जो बाल है मुझे इतने पसंद आ रहे हैं इस वक्त, ये अपनी क्लास का मलिंगा, एक बार ताली बजा दो यार इसके लिए। क्या नाम है बेटा आपका? चिरंजीवी सर। चिरंजीवी, साउथ इंडिया से हो? सच में? भाई ये बच्चे का बहुत, एक तो श्रीलंका जैसे बाल है इसके, और रहता था साउथ इंडिया में चिरंजीवी।
पर अभी जो है नागपुर बेटा काफी तुम्हारा फैला हुआ व्यापार है। ये हम तो चेरेंजो ने हमारे लिए आज से बच्चों ये इसका नाम क्या रखेंगे? अरे बोला क्या नाम है इसका? ये मलिंगा बेटा, बहुत आगे जाएंगे आप। और जितने लड़के को मलिंगा पता नहीं वो सच कर ले, लड़कों को तो पता ही होगा। ओके हाँ जी मैम प्लीज आगे बढ़े। राइट, तो कंटेंट में अगर आप बी पॉइंट देख रहे हो, चार चीजें लिखी जाती है इन एवरी नोटिस। एक तो मीटिंग कौन से दिन पे है, उस दिन पे कितने बजे है, अलोंग विद दैट किस जगह पे है, एंड इस मीटिंग में मिलने के बाद आप करने क्या वाले हो, व्हाट इज द एजेंडा। एजेंडा मतलब पर्पस क्या है ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि अगर हम मिल रहे हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग। तो ये चार चीजें हम लोग लिखते हैं इन एवरी नोटिस। दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर टू बी रिटन इन द नोटिस। बताओगे मुझे कौन सी चार चीजें एक बार रिवाइज करें? डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा। मैम आपने जो मीटिंग देखी थी जियो फाइनेंस की, उसका थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करोगे? डे क्या था उस समय? सो दैट वाज 30th of August। ओके, टाइम वाज 2 PM। 2 बजे दोपहर में खाना गया पोस्ट लंच। हाँ माहौल बनाएंगे। 11 बजे रखते तो लंच का खर्चा हो जाता, अब हाई टीम में निपटा दिया। पॉसिबल पॉसिबल। खैर वैसे ही वाली मीटिंग एवी मोड से थी तो फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉम्बे में तो बॉम्बे हो जाती। हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है। एजेंडा, हर एजीएम का एजेंडा होता है अड्डा। मैं किसी बच्चे से सवाल पूछ सकता हूँ एजेंडा का मतलब क्या? हाँ अभी तो बताए, बताएगा एजेंडा में होता क्या है, एजेंडा का मीटिंग क्या होता, पर्पस आप बताएंगे बेटा क्या बोलते हैं? पर्पस ऑफ द मीटिंग। पर्पस ऑफ द मीटिंग को एजेंडा बोलते हैं? मीटिंग में, हाँ जी बोलेंगे। ठीक है, हाँ मीटिंग में जब आप मिलने वाले हो कौन सी चीजों के बारे में चर्चा होने वाली है, बिल्कुल किन चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है, उसी को कहते हैं एज द एजेंडा। नहीं नहीं आप अगर बोले किसको ए मिलना तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं मिलता हूं पर क्यों? नहीं नहीं आजा मिलते अकेले में। आप बोलेंगे भाई क्यों भाई अकेले में क्यों मिलना चाहते हो? आप बोलेंगे बेहतर एजेंडा क्या है मीटिंग का? तो एजेंडा इज ऑन द मकसद द ऑब्जेक्ट द पर्पस ऑफ मीटिंग। बेटा वैसे क्या नाम है जो आपका खुफिया साउंड कर रहा है मकसद? वैष्णवी आप कहां से? सोलापुर से। वैष्णवी फ्रॉम सोलापुर ने जवाब दिया, एक बटाले भी जाते हैं वैष्णवी के लिए। वेरी गुड। क्लास होते होते आपको सभी का नाम बता होना चाहिए। यस सर। समझे आप? ओके हर किसी को फील होना चाहिए मेरी क्लास है। ओके मैम आगे बढ़े आप। ठीक है, तो यूजुअली जब एजीएम होता है एजीएम के चार पर्पसेस होते हैं जिसका एक मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया अड्डा। अड्डा ए का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डी का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डी वापस से जो आया दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड लास्ट ए जो है कंसिडर एंड अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अभी याद नहीं भी है तो भी चलेगा, ये हम लोग सेक्शन 96 में करने वाले हैं। अभी के लिए 101 के लिए इतना ही याद रखना जरूरी है कि हर नोटिस में चार चीजें लिखना कंपलसरी है, डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा। एक बार सर हम रिवाइज कर लेते हैं फिर सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल यस लेट्स स्टार्ट। यस ओके गाइस आर यू रेडी? मैम आप स्टार्ट करो फिर मैं भी कर जी आप लोग बताओगे लो। अभी हाँ। बस आखिरी के इस लेक्चर के 2 मिनट बचे हैं जो आज हमने किया उसको सम अप करते हैं, है ना? अभी अच्छे से ध्यान देंगे एवरीवन। ओके सब लोग एवरीबॉडी स्ट्रेट। हाँ एकदम एनर्जी के साथ में। हाँ कम ऑन एवरीबॉडी आर यू रेडी? एनर्जी नहीं आया अब तक ऐसे आर यू रेडी गाइस कम ऑन। इतना एनर्जी सिर्फ यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग वालों को एनर्जी कुछ है? एक बार देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वालों हाउ वाज योर डे, हाउ वाज द क्लास एवरीवन? एनर्जी है आगे बढ़ते हैं। ओके चलो मैम स्टार्ट करें। लॉ और एक्ट दोनों सेम है या अलग अलग है? तो लॉ इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉ। एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज। क्या बात है। नोटिस जो है कौन बनाता है, पावर किसको दिया गया है, बोर्ड ऑफ, क्या सिंगल डायरेक्टर नोटिस बना सकता है, बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? और नोटिस में चार चीजें लिखी होती है, कौन सी चार चीजें लिखी होती है? डे, प्लेस,
टाइम एजेंडा, ये जो सेक्शन हम कर रहे हैं इस सेक्शन का नंबर क्या है बताओगे आप? सेक्शन नंबर 101. क्या कंपनीज एक्ट क्या सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है? तो चाहे आपकी कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, हर एक कंपनी को क्या कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा? तो क्या SBC प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट को फॉलो करता होगा? क्या रिलायंस फॉलो कर रहा है? क्या TCS फॉलो कर रहा है? क्या हर एक कंपनी कंपनीज एक्ट फॉलो करती है? और कुछ पूछना? मैम जो जितने भी टॉप कंपनीज जो आपको मैंने दिखाई, क्या उन्हीं को ही कंपनीज एक्ट लगता है या SBC जैसी छोटी कंपनीज को भी लगता है? उससे फर्क नहीं पड़ता. आप बताइए दोस्तों, डायरेक्टर और शेयर होल्डर में हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? कम ऑन, बट हु मैनेजेस द कंपनी? डायरेक्टर्स. तो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स. तो इन्हीं डायरेक्टर्स को ये समझाना होता है कि उन्होंने साल में क्या काम किया, इसलिए वो क्या कंडक्ट करवाते हैं? AGM. और AGM में वो साल का ब्यौरा देते हैं. आप बताएंगे मीटिंग होने के पहले कुछ आपको बैलेंस शीट भेजी जाती है? क्या P&L आपको भेजना चाहिए? बताएंगे कितने दिनों पहले आपको भेजी जाती है? और अगर आपको 15 दिन पहले भेजे तो? और 40 दिन पहले भेजे तो? चलेगा. 50 दिन पहले भेजे तो? सही पकड़े हैं. और अगर 10 दिन पहले भेजे तो? और आपको जो हमारे मीटिंग में आना है, ऐसी जो नोटिस हम आपको भेजते हैं, वो नोटिस भी कितने दिन पहले चलती है? वो भी 21 डेज पहले. आप बताओ क्या मीटिंग फिजिकल होना ही जरूरी है या वीडियो मीटिंग भी हो सकती है? क्या मीटिंग में कुछ लोगों का होना जरूरी है? कितने लोग मिनिमम होना चाहिए, उसका नाम क्या है? कोरम. और कोरम इतने लोग ना हो तो क्या मीटिंग को वैलिड माना जाता है? एक बात पूछे आपसे, 20 लोग इधर आए थे और 20 लोग इधर आए थे, 15 लोग उधर आए थे, उधर मतलब ऑनलाइन आए थे, 20 लोग यहाँ पे आए, तो क्या फिर भी वो वैलिड माना जाएगा? अगर मान लीजिए कोरम की संख्या 30 है, जो अभी वो बताएंगे आपको, कभी 10 है कभी 20 है, पर मान लो 30 वाली कंपनी है और 20 लोग फेस टू फेस आए, 15 लोग ऑनलाइन आए, क्या वैलिड माना जाएगा? Yes. दोस्तों आई होप आपका ये लेक्चर आज का सफल हुआ है. एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, मैम के लिए भी और सर के लिए भी. थैंक यू सो मच. सर के लिए और जोरदार तालियां. क्या बात है, पूरी क्या पूरी जो किताब है आपको इतना बताते हुए खुशी हो रही है. जो बाद में मिलता बेटा, देखो ये बच्चे, ये जरा बताइए मैम एक बार, एक ही मिनट के लिए बताओ ना. ये जो है मैम पूरी किताबें कितनी, 3 है क्या जी? थोड़ा सा ऊपर करिए मैम. वही है, 3 है. ओके, ये 3 किताबें हैं और ये 3 किताबें लगभग पन्ने होंगे 500 के आसपास. पर इन 500 किताबों को दिमाग में ये पढ़ सकते हैं, पर रिटेंशन कितना होगा पता नहीं. इस इन 500 को ट्रांसफॉर्म किया है इसमें और ये बन गई है 70-80 पन्नों के. तो आप जब रिवीजन का टाइम आएगा, आप घर पे जब भी पढ़ोगे, क्लास होने के बाद पढ़ोगे, PL में पढ़ोगे, तो पढ़ना केवल इतना ही होगा. ओके, और मैम ने खास चीज बनाई है. मैम ये जो आपने बनाया है इसके बारे में कुछ बोलो, जो आपने हैंडरिटन नोट्स. एक चीज आपको देखना पड़ेगी और अगर अच्छी लगी तो जोरदार ताले बजाना पड़ेगी. वो क्या है पता है? मैम ने आपके सभी के लिए एक ऐसे एफर्ट लिए है जिसकी वजह से लॉ की दुनिया चेंज हो जाएगी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CA इंटरमीडिएट लॉ, ये इस बैच में पहली बार इसको लॉन्च किया जा रहा है आप सभी के सामने. अमेजिंग क्वालिटी आपके सामने एक ऐसे नोट्स पेशकश की जा रही है जिसके लिए जितनी तालियां बजाए कम है. आप पहले तालियां बजाओ. आपके सामने स्क्रीन पर आपको ये देख रहे हो, आपके पास में जैसे ये तो प्री प्रिंटेड होती है, तो प्रिंटर से छपवाई है, पर दोस्तों ये वो फॉन्ट है, ये वो चीज है. सोचो क्या खूबसूरती है, और ये आपको लगेगा आपने खुद नहीं लिखी है और इतना सही है ना. मतलब ये जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाती है, पर इतनी सिंपल भाषा में उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया मैडम ने, और ऐसा लगता है आपने अपने हैंडराइटिंग में ही लिखा हो. देखिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग चीज बनाकर रखी है और पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह से बनाया है. और सबसे अच्छी बात जो है, आपको ये किताब मिलने वाली है. एक बता ले क्या बात है, सुपर. देखो ना किसी को पढ़ना है, बस सब्जेक्ट को इतना छोटा भी बना देना है,
ये एग्जामिनेशन के पहले दिन कितना काम आएगा, आप जब भी रिवीजन करोगे जो सामने स्क्रीन पे वो कितना काम आएगा, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग, जिसकी वजह से आपका लॉ का सब्जेक्ट अभी टेंशन मुक्ति है। आपने बाकी सब्जेक्ट का टेंशन लेना है लो, नहीं तो मत लो, पर इतनी बात तो पक्की है लॉ की जो जिस ढंग से बुक्स बनाई है, वरना क्या करते हैं लोग जान। अभी देखो मैम ने कोई भी कट शॉर्ट नहीं किया, जब हम पढ़ाएंगे तो इस किताब से पढ़ाएंगे पढ़ाते समय, पर जब आपको इतना नहीं कि इस समंदर में डाल देंगे पर पढ़ते समय, क्योंकि एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको बहुत ही कंसाइज नोट बना के दे देंगे 100-100 सिर्फ अगर डायरेक्टली हम चाहे तो, जैसे कुछ टीचर्स करते हैं 100-200 पन्ने की किताब बना देते और आपको पढ़ा दे, पर बच्चों के सामने हादसा हो जाता है एग्जामिनेशन में, क्यों, बिकॉज उसमें मॉड्यूल पूरा कवर नहीं, और एमसीक्यू तो किसी भी कोपचे से पूछ सकते हैं, और आजकल तो 30 मार्क के लिए एमसीक्यू आते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं तो इस किताब से पढ़ के आपकी क्लास 40 दिन में खत्म कर सकता हूं और आपको मजा भी आ जाएगा, आप बड़ा जल्दी हो गया, पर एक्चुअली प्रॉब्लम दर्द तब होगा जब आप आईसीएआई की एग्जामिनेशन जाओगे तो किसी भी कोपचे से वो एमसीक्यू पूछते, इसलिए पढ़ते समय तो इन्हीं किताब का इस्तेमाल होगा, एक वर्ड छोड़ेंगे नहीं, पर एट द सेम टाइम जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसके द्वारा हम लोग रिविजन करेंगे, यानी कि हमारे दोनों भी पर्पस सॉल्व हो गए, रिविजन का डेटा भी हो गया और एमसीक्यू के हिसाब से और डिटेल के हिसाब से पूरा मॉड्यूल भी कवर हो गया। राइट गाइस, बाकी आप लोगों ने इतना शांति से सुना, सभी का फिर से एक बार शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके ठीक बाद आप जैसे शांति से बैठे हैं, अभी हमारे बीच में थोड़े देर बाद ब्रेक के बाद में अभी पूजा मैम आएंगे जो आपको टैक्सेशन की दुनिया में लेके जाएंगे, फिर 2 बजे आनंद सर आएंगे वो आपको अकाउंट की दुनिया में ले जाएंगे, और शाम को 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी 5:45 को। और पता है तो दोपहर में आपको लंच ब्रेक भी होगा, आपको लंच के लिए टाइम दिया जाता है, जैसे अभी आप जाएंगे बाहर बहुत सारी जगह है जहां पे आप चाय नाश्ता पानी कुछ कर सकते हो, जैसे वो खत्म हो जाए वापस आ जाना, ठीक है ना, और हर एक टीचर आपका इसी प्यार मोहब्बत से पढ़ाएंगे, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, आई एम 100% श्योर, मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में ही इतना ही मजा आएगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है, यू आर गोइंग टू हैव फैंटास्टिक टाइम, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। बड़ा यहां से थोड़ा सा जो भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है एक बार आप भी बता दो आपको कैसा महसूस हो रहा था, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, इधर आ रहे फोन दे दे उसको, दे दे फोन दे दे उसको उसका अमर, हाँ दे दे मैम। अपूर्वा कह रही है सुपर लेक्चर, थैंक यू सो मच अपूर्वा, यूट्यूब पे बेटा 7-8 दिन तो चलेगा, बता दो कैसा अमेजिंग एक्सपीरियंस, किरण कह रहा है थैंक यू सो मच नया मानव शुभम ईशा सौरभ भास्कर त्रिवेदी थैंक यू सो मच श्रुति लगा यहाँ पे सीना आदित्य दीपाली दीप्ति रमन थैंक यू सो मच अनिकेत इतने सारे नाम आ रहे समझ भी नहीं आ रहा थैंक यू चांदनी देवांशी आयुषी सुपर लेक्चर थैंक यू सो मच कुणाल गेमिंग प्लाजा एक बच्चा बोल रहा है प्राउड ऑफ यू मैम क्या बात है अमेजिंग अनुज कह रहा है अमेजिंग थैंक यू अभिषेक कह रहा है सर Thank you so much, sir. We are watching you from 12th Foundation. Oh, very good. It was an amazing experience. Shubham keh raha hai. Thank you so much, superb lecture. Superb, sir, bol raha hai wo. Okay. Maza aa gaya, sir. Aditya keh raha hai. Superb, both of you. Thank you, beta. Devo Priyo. Jitne bhi lo, love from Hyderabad. Apne apne city ko likh sakte. Kahan se dikh rahe aap log? Awesome lecture, ma'am and sir. Divya, Disha. Kahan se dikh rahe, zara bataiye. Awesome lecture, Disha. Thank you so much. Proud of you, sir. Thank you so much. Amazing, superb, excellent. Thank you, Anuj. Priyanka, thank you so much. I am from Tamil Nadu. Tisha कह रही है. बहुत अच्छा लगा. Vijay Vada, thank you so much. Love from Hyderabad. Odisha, Kurukshetra, Rajasthan, Pune, Gujarat, Rohtak, Bangalore, Rajasthan, Vadodara. दिल्ली पटना गोवा बिहार नेपाल रेवा कहाँ है हरियाणा तमिलनाडु वाराणसी नेपाल जयपुर राजस्थान सूरत नासिक लुधियाना आगरा इंदौर देश भर से जो सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं सभी को फिर से एक बार शुक्रिया थैंक यू सो मच गाइस थोड़ी देर में मिलेंगे आपके साथ में टैक्स के साथ में थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू बाय बाय